पास दो ऑप्शन है। पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से, कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग। टाइगर साहब की बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई विक्रम यानी कि रितेश देशमुख की। रॉनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वो विक्रम का रक्षक है। विक्रम को खरोंच भी आए तो रॉनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की शूटिंग हीरोपंथी 2 के साथ होगी। टाइगर साहब चाहते हैं कि हीरोपंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए, इसीलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर साहब ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का शेर सलमान खान है, लेकिन जब टाइगर को चीता का ऑप्शन मिलता है तो वो बिना समय गवाए ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं। गौरतलब है कि टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री ने 2019 में वार जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। टाइगर ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब ऋतिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है। अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन हूँ। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था और दूसरे दिन
16 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था, चौथे दिन 9 करोड़ रुपए और पांचवे दिन 14 करोड़ रुपए, छठे दिन 8 करोड़ रुपए, सातवे दिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था और आठवें दिन 4 करोड़ पर सिमट कर रह गई, नौवे दिन करीब 2 करोड़ रुपए और दसवें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। टाइगर श्रॉफ ने क्यों कहा कि हाथ में भारी बंदूक ना होती तो हवा में उड़ जाते? क्या लॉकडाउन में दिशा पाटनी संग रह रहे हैं टाइगर श्रॉफ? बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। टाइगर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, इसमें वो कार्गो पैंट्स पहने नजर आ रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और वो दोनों हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया है, -7 डिग्री सेल्सियस, मेरी हड्डियां गला रहा है, तूफान लाने वाले पंखे टॉर्चर बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर की आवाज और इंस्ट्रक्शन सुनने की कोशिश कर रहा हूं, जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। शुक्र है इन भारी बंदूकों का और कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। जिंदगी का एक और दिन बागी 3 के सेट्स पर। टाइगर साहब की बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई विक्रम यानी कि रितेश देशमुख की। रॉनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वो विक्रम का रक्षक है। विक्रम को खरोंच भी आए तो रॉनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की शूटिंग हीरोपंथी 2 के साथ होगी। टाइगर साहब चाहते हैं कि हीरोपंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए, इसीलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर साहब ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का शेर सलमान खान है, लेकिन जब टाइगर को चीता का ऑप्शन मिलता है तो वो बिना समय गवाए ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं। गौरतलब है कि टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री ने 2019 में वार जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। टाइगर ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब ऋतिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है। अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था और दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था, चौथे दिन 9 करोड़ रुपए और पांचवे दिन 14 करोड़ रुपए, छठे दिन 8 करोड़ रुपए, सातवें दिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था और आठवें दिन 4 करोड़ पर सिमट कर रह गई, नौवे दिन करीब 2 करोड़ रुपए और दसवें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और बागी 4 का कितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? बागी 4 का टीजर कब आ रहा है? क्या बागी 3 फिर से रिलीज की जाएगी? और बागी 4 को लेकर टाइगर श्रॉफ ने क्या स्टेटमेंट दी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अब भले ही बागी 3 को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय थी कि फिल्म 125 से 150 करोड़ के बीच का बिजनेस जरूर कर लेगी। लेकिन रास्ते में आ गया ये COVID-19 यानी कोरोना वायरस और सिनेमा घरों में लग गए ताले। इस वजह से बागी 3 की यात्रा असमय ही समाप्त हो गई। वैसे बागी सीरीज को पसंद करने वालों ने दिल खोल कर फिल्म का स्वागत किया और अकेले टाइगर श्रॉफ को एक देश के खिलाफ लड़ते देखना उनके लिए काफी रोमांचकारी अनुभव रहा। लेकिन टाइगर भी दुखी हैं कि उनकी फिल्म को अचानक सिनेमाघरों से उतारना पड़ा। प्रशंसकों के मैसेजेस भी उन्हें मिल रहे हैं जो बागी 3 नहीं देख पाए हैं। फिल्म के निर्माता भी असमंजस में हैं कि फिल्म को फिर से सिनेमा घर में लगाया जाए या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। ये बात तय नहीं है कि कब सिनेमा घर खुलेंगे। खुलेंगे तो दर्शक सिनेमा घर में जाएंगे या नहीं, इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। क्योंकि एक इंटरव्यू में टाइगर ने बताया था कि फिलहाल वो इस चीज में व्यस्त हैं कि बागी 3 उन लोगों तक पहुंचे जो उसे देखना चाहते हैं। साथ ही टाइगर श्रॉफ ने ये भी संकेत दे दिया है कि बागी 4 की अनाउंसमेंट जल्द ही की जाएगी और ये फिल्म जरूर बनेगी। अपने छोटे से करियर में टाइगर ने एक सफल फ्रेंचाइज का हिस्सा
बनकर सभी को चौंका दिया। टाइगर ने एक्शन स्टार के रूप में अपनी इमेज बनाई है और देश के भीतरी इलाकों तक उनकी पेट है। वहीं बागी 4 के टीजर की बात करें तो इस लॉकडाउन के बाद जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने बातें कही है बागी 4 को लेकर, तो उम्मीद है कि इसका फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार दर्शकों की एक्साइटमेंट रहेगी कि फिल्म की कहानी और टाइगर का लुक कैसा होगा, क्योंकि जैसा कि हम इस सीरीज में देखते आए हैं, फर्स्ट फिल्म में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है, सेकंड फिल्म में वो अपनी बेटी को बचाता है, थर्ड फिल्म में वो अपने भाई को बचाता है, तो अब फोर्थ फिल्म में क्या इस लॉकडाउन की वजह से इसकी कहानी में चेंजेस लाकर वो पूरे देश को बचाएगा या कहानी क्या रखी जाएगी, ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। यहाँ तक कि लोगों ने अनुमान लगाने भी शुरू कर दिए हैं कि फोर्थ फिल्म में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब एक और भी बात है कि इस सीरीज की तीनों फिल्में साउथ फिल्मों की रीमेक रही है, तो ऐसे में क्या फोर्थ फिल्म भी इस सीरीज की साउथ की रीमेक ही होगी या फिर नई स्टोरी को ईजाद किया जाएगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हीरोपंथी 2 के साथ बागी 4 की शूटिंग क्यों करना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ? बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है? टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड का शेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं? अजय देवगन को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड में कौन पैदा हो गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बागी 3 ने 15 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, जिससे बागी 3 की कमाई पर काफी असर पड़ा है। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था और दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था, चौथे दिन 9 करोड़ रुपए और पांचवें दिन 14 करोड़ रुपए, छठे दिन 8 करोड़ रुपए, सातवें दिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था और आठवें दिन 4 करोड़ पर सिमट कर रह गई, नौवे दिन करीब 2 करोड़ रुपए और दसवें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइगर साहब की बागी 3 की कहानी रोनी और उसके भाई विक्रम यानी की रितेश देशमुख की। रोनी बेशक उम्र में छोटा है, लेकिन वो विक्रम का रक्षक है। विक्रम को खरोंच भी आए तो रोनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बागी 4 की शूटिंग हीरोपंथी 2 के साथ होगी। टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि हीरोपंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए, इसीलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर साहब ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का शेर सलमान खान है, लेकिन जब टाइगर को चीता का ऑप्शन मिलता है तो वो बिना समय गवाए ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं। गौरतलब है कि टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री ने 2019 में वार जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। टाइगर ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब ऋतिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है। अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन हूँ। बॉलीवुड में नए जनरेशन का हर स्टार पुरानी जनरेशन के किसी ना किसी स्टार की छाप जरूर है। यकीन नहीं आता तो आपको मैं बता देता हूँ, सलमान खान तो खुद ही मान चुके हैं कि वरुण धवन को देखकर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है, और बस वरुण धवन के फैंस भी मानेंगे कि सलमान खान को वो कितना फॉलो करते हैं। लेकिन सलमान खान की विरासत के लिए अब वरुण धवन को टक्कर मिल रही है कार्तिक आर्यन से। इस समय कार्तिक आर्यन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है, केवल एंटरटेनमेंट बिना दिमाग लगाए। कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अजय देवगन की जगह बॉलीवुड में कोई नहीं ले सकता, लेकिन राजकुमार राव का नाम आ रहा है। लेकिन राजकुमार राव को टक्कर दे रहे हैं विक्की कौशल, क्योंकि वो अजय देवगन की तरह रोमांस से लेकर इंटेंस अभिनय और देशभक्ति तक सब ट्राई कर चुके हैं। उन्हें भी अपना नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आमिर खान की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं रणबीर कपूर, बिल्कुल आमिर खान की तरह। सोचिए दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना कितना दिलचस्प होगा।
इस समय बॉलीवुड के दूसरे परफेक्ट स्टार बन चुके हैं आयुष्मान खुराना। वहीं आमिर खान की तरह आयुष्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहे हैं। टाइगर और ऋतिक को लगभग एक ही जैसे हो चुके हैं और टाइगर श्रॉफ को अपने इस अचीवमेंट के लिए बधाई, क्योंकि फिलहाल पूरे बॉलीवुड में कोई ऐसा नहीं है जो ऋतिक को रिप्लेस कर सके। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से जो रणवीर सिंह ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए और बेफिक्रे के बाद सबको यकीन है कि वो आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अक्षय कुमार से बेहतर या उनकी टक्कर के स्टंट अगर कोई कर सकता है तो वो टाइगर श्रॉफ है। इतना ही नहीं, टाइगर अक्षय जितने ही एक्टिव है, अक्षय जितने ही फिट है, लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो रणवीर सिंह शाहरुख खान और अक्षय कुमार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपको किस स्टार में दिखती है किसकी झलक? हीरोपंथी 2 के साथ बागी 4 की शूटिंग क्यों करना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ? बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है? टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड का शेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं? अजय देवगन को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड में कौन पैदा हो गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बागी 3 ने 15 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, जिससे बागी 3 की कमाई पर काफी असर पड़ा है। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था और दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था, चौथे दिन 9 करोड़ रुपए और पांचवे दिन 14 करोड़ रुपए, छठे दिन 8 करोड़ रुपए, सातवें दिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था और आठवें दिन 4 करोड़ पर सिमट कर रह गई, नौवें दिन करीब 2 करोड़ रुपए और दसवें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइगर साहब की बागी 3 की कहानी रोनी और उसके भाई विक्रम यानी की रितेश देशमुख की। रोनी बेशक उम्र में छोटा है, लेकिन वो विक्रम का रक्षक है। विक्रम को खरोंच भी आए तो रोनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बागी 4 की शूटिंग हीरोपंथी 2 के साथ होगी। टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि हीरोपंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए, इसीलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर साहब ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का शेर सलमान खान है, लेकिन जब टाइगर को चीता का ऑप्शन मिलता है तो वो बिना समय गवाए ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं। गौरतलब है कि टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री ने 2019 में वार जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन है। टाइगर ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब ऋतिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है। अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन हूँ। बॉलीवुड में नए जनरेशन का हर स्टार पुरानी जनरेशन के किसी ना किसी स्टार की छाप जरूर है। यकीन नहीं आता तो आपको मैं बता देता हूँ, सलमान खान तो खुद ही मान चुके हैं कि वरुण धवन को देखकर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है, और बस वरुण धवन के फैंस भी मानेंगे कि सलमान खान को वो कितना फॉलो करते हैं। लेकिन सलमान खान की विरासत के लिए अब वरुण धवन को टक्कर मिल रही है कार्तिक आर्यन से। इस समय कार्तिक आर्यन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है, केवल एंटरटेनमेंट बिना दिमाग लगाए। कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अजय देवगन की जगह बॉलीवुड में कोई नहीं ले सकता, लेकिन राजकुमार राव का नाम आ रहा है। लेकिन राजकुमार राव को टक्कर दे रहे हैं विक्की कौशल, क्योंकि वो अजय देवगन की तरह रोमांस से लेकर इंटेंस अभिनय और देशभक्ति तक सब ट्राई कर चुके हैं। उन्हें भी अपना नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आमिर खान की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं रणबीर कपूर, बिल्कुल आमिर खान की तरह। सोचिए दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना कितना दिलचस्प होगा। इस समय बॉलीवुड के दूसरे परफेक्ट स्टार बन चुके हैं आयुष्मान खुराना। वहीं आमिर खान की तरह आयुष्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहे हैं। टाइगर और ऋतिक को लगभग एक ही जैसे हो चुके हैं और टाइगर श्रॉफ को अपने इस अचीवमेंट के लिए बधाई, क्योंकि फिलहाल पूरे बॉलीवुड में
कोई ऐसा नहीं है जो ऋतिक को रिप्लेस कर सके। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से जो रणवीर सिंह ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए। और बेफिक्रे के बाद सबको यकीन है कि वो आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अक्षय कुमार से बेहतर या उनकी टक्कर के स्टंट अगर कोई कर सकता है तो वो टाइगर श्रॉफ है। इतना ही नहीं, टाइगर अक्षय जितने ही एक्टिव है, अक्षय जितने ही फिट है, लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो रणवीर सिंह शाहरुख खान और अक्षय कुमार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बागी 3 मूवी की फुल डिटेल क्या है? अमिताभ बच्चन के कारण टाइगर श्रॉफ को जमीन पर क्यों सोना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। बागी 3 अहमद खान द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है। साजिद नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित। ये बागी 2016 और बागी 2 2018 का आध्यात्मिक सीक्वल है। बागी 3 में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर है। ये 2012 की तमिल फिल्म वेट्टाई की आधिकारिक रिमेक है। श्रद्धा कपूर फिल्म में एक एयर होस्टेस की भूमिका निभा रही हैं। वहीं हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट से रूबरू कराते हैं। रणवीर रानी यानी कि प्रताप सिंह के रूप में टाइगर श्रॉफ, मीरा नंदन के रूप में श्रद्धा कपूर, अयान प्रताप सिंह रणवीर के भाई के रूप में रितेश देशमुख, सीमा नंदन के रूप में अंकिता लोखंडे, राज नंदन के रूप में आशुतोष राणा, डीसीपी विक्रांत शेरगिल के रूप में मनोज वाजपेयी, अखिलेंद्र मिश्रा, चंकी पांडे, नोरा फतेही आइटम सॉन्ग। टाइगर का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने अपने टाइप कास्ट होने और अपनी फैमिली के बुरे दिनों के बारे में बात की। अपने इस इंटरव्यू में टाइगर ने बताया कि कैसे उनके परिवार की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके माता पिता को अपने घर की चीजें बेचनी पड़ी थी। बकौल टाइगर, उनके पिता और बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ के कुछ फैसले से उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई थी, जिस पर उनकी मां आयशा श्रॉफ के प्रोडक्शन हाउस में बनी पहली बूम की असफलता ने इस दिक्कत को कई गुना और बढ़ा दिया। आयशा की फिल्म रिलीज से पहले ही लीक हो गई। अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और कैटरीना कैफ को लेकर बनी ये फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। जबकि लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन है तो फिल्म हिट ना भी हो तो उनके नाम के चलते खर्चा तो निकाल ही ले जाएगी, लेकिन ना अमिताभ काम आए ना बिग बी का नाम का ब्रांड। उस समय टाइगर सिर्फ 11 साल के थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मुझे याद है कि कैसे हमारे घर के फर्नीचर एक एक कर बिक रहे थे। जिन चीजों को मैं देखते हुए बड़ा हुआ था वो चीजें अचानक घर से गायब होने लगी। फिर मेरा बेड भी चला गया और मैंने जमीन पर सोना शुरू कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव है। यही वो चीज थी जिसने टाइगर को जीवन में बेहतर बनने के लिए मोटिवेट किया। टाइगर से हमेशा मीडिया को ये शिकायत रही कि वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते, वो लगातार एक ही तरह की एक्शन रोमांटिक फिल्में कर रहे हैं। लेकिन टाइगर का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को स्टीरियोटाइप किया है। उनका मानना है कि इस स्टीरियोटाइप ने ही इंडस्ट्री में उनकी अलग पहचान बनाई। इस बारे में उनका कहना है, जब आप शाहरुख खान के बारे में सोचते हैं तब आपके जहन में रोमांस किंग का टाइटल आ जाता है। सलमान खान को देखते ही भाईजान वाला भाव उमड़ पड़ता है। आदमी के साथ एक लेबल जुड़ा हुआ है। इस कंपटीशन से भरी इंडस्ट्री में ये चीज जरूरी है। जब भी मैंने कुछ ऑफ बीट करने की कोशिश की, जनता ने मुझे प्यार नहीं दिया। चाहे वो ऑफलाइन जेट का नौसखिया, ऊंचाई लड़ाई से डरने वाला सुपर हीरो हो, या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का स्टूडेंट जिसे कॉलेज में बुली किया जाता था, ये चीज मेरे ऑडियंस को पसंद नहीं आई। वो मेरा बागी 2 से निकलकर कॉलेज के लड़कों से मार खाना पचा नहीं पाते, गलती से या बिना सोचे समझे एक तरह के खांचे में फिट होते चले जा रहे हैं, तब तो बात दिक्कत वाली है। लेकिन टाइगर का ये फैसला सोचा समझा लग रहा है और अब तक उनके लिए ये फायदेमंद भी रहा। उनकी फिल्म वॉर भी उनके कंफर्ट जोन की थी। 400 बम ब्लास्ट लाइव सीन की क्या खास बातें हैं? बागी 3 अजय देवगन की तानाजी के बाद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म बागी 3 में टाइगर श्रॉफ का साथ देने के लिए इस बार श्रद्धा कपूर होंगी। बागी 3 फिल्म में सबसे ज्यादा अपने एक्शन सीन्स को लेकर चर्चा में। टाइगर ने 400 बम ब्लास्ट के बीच
लाइव एक्शन सीन किए हैं। इन सीन की वजह से टाइगर कई बार घायल भी हुए थे। बागी 3 की शूटिंग इंडिया, मोरक्को, मिस्र, सर्बिया, तुर्की जैसे 5 अलग अलग देशों में हुई है। फिल्म के दृश्यों को एकदम असली दिखाने के लिए 100 किलो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल भी किया गया है। भले ही ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी एडवांस बुकिंग के लिए लोग बॉक्स ऑफिस की खिड़कियों पर टूट पड़े हैं। बढ़िया एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बागी 3 अपने पहले दिन ही 40 से 50 करोड़ का बिजनेस करेगी। बागी 2 ने पहले दिन 25 करोड़ की बम्पर कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म को उस दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी का भी फायदा मिला था। इस साल बॉलीवुड में एडवांस बुकिंग में फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी है। यहां तक कि बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली अजय देवगन की तानाजी भी एडवांस बुकिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। बागी 3 की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ तक पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टाइगर की बागी 3 को वैसा ही रिस्पांस मिलेगा जैसा बागी 2 को मिला था। अगर फिल्म को बागी 2 की तरह ओपनिंग नहीं मिलती है तो ये फिल्म अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपए तक की ही कमाई कर पाएगी और आने वाले हफ्तों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अगर फिल्म पहले ही दिन 40 करोड़ की ओपनिंग देती है तो आने वाले हफ्ते में ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर जाएगी, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ फिल्म के गाने भी सोशल मीडिया पर हिट हो गए हैं। चाहे वो डू यू लव मी हो या भंकस हो, सभी ने तहलका मचाया है। लेकिन कोरोना वायरस फैलने की वजह से आशंका जताया जा रहा है कि इस फिल्म के कलेक्शन पर इसका असर पड़ सकता है। क्या बागी 3, वार, ट्रक्स ऑफ हिंदुस्तान, हैप्पी न्यू ईयर, भारत, बाहुबली, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ पाएगी? क्योंकि ये सारी फिल्मों ने पहले दिन ही 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल्मी गलियारों की बात माने तो ये कहा जा रहा है कि बागी 3 बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ तक का बिजनेस आसानी से कर लेगी। लेकिन टाइगर श्रॉफ को कोरोना वायरस से बचना होगा। दोस्तों, जिस फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा था, फाइनली आज यानी 6 मार्च को वो रिलीज हो चुकी है। हर तरफ बागी 3 के चर्चे थे और आज दीदार हो ही गया। तो हम आपको बताएंगे फिल्म बागी का एकदम ऑनेस्ट यानी ईमानदार रिव्यू। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर से आपको पता ही चल गया था कि छोटे भाई रॉनी अपने बड़े भाई को हर पल हर क्षण बचाते ही रहते हैं। बचपन में छोटे मोटे पंटों लोग से बचाता था। पहले अपने भाई को बचाने के लिए सिर्फ अगल बगल की गलियों में जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े हुए, गलियां बढ़कर सरहदें हो गई। यानी कि अब दोनों भाई बड़े हो गए हैं तो सीमाएं भी बढ़ेंगी ही। तो रॉनी का बड़ा भाई विक्रम चला जाता है सीरिया। वैसे जब विक्रम को पता है कि रॉनी के बिना उसका कुछ नहीं होने वाला, तो रॉनी को भी साथ लेके जाता, लेकिन अगर ऐसा करता तो रॉनी फॉरेन कैसे घूम पाता। तो भाई विक्रम चला जाता है सीरिया और उसे जैश लश्कर के आतंकवादी धर दबोचते हैं और किडनैप कर लेते हैं। अब रॉनी कैसे अपने बड़े भाई को बचाता है, क्या उसे वो वापस जिंदा लेकर घर लौट पाता है, यही सब देखना बहुत रोमांचकारी है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म की बाकी चीजों के बारे में। शुरू करेंगे ऑफ कोर्स अपने चीते मतलब कि टाइगर श्रॉफ से। टाइगर ने फिल्म में गजब की बॉडी बनाई है, सबकी ऐसी की तैसी कर दी है। सिक्स पैक्स, एब्स, मस्कुलर बॉडी और चिजल फेस हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे रहा है। और जैसे ही उसके भाई को कोई तंग करता है तो हवा को चीरता हुआ आ जाता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। और इस सब के बीच ऑडियंस को बड़ा मजा आता है। टाइगर ने जैसे कि इंटरव्यू में भी बताया था कि फिल्म बागी 3 की कहानी मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर और मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई है। तो भाई यही सब कर रहा है टाइगर, आओ देख रहा है नताव और धुआंधार तुड़ाई। सारे एक्शन सीन्स रियल लाइव और VFX का बहुत कम इस्तेमाल करके बने हैं, इसीलिए यही फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है जो फिल्म को रियलिस्टिक बना रही है। बात करें अहमद खान की तो उनके पास जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी की सारी बागी 3 के लिए उन्होंने झोंक दी है, जो बखूबी फिल्म में दिख रहा है।
और टाइगर ने अपनी परफेक्ट बॉडी और एटीट्यूड से सारे एक्शन सीन्स को एकदम रियल और प्योर बना दिया है। मतलब अहमद खान का डायरेक्शन और टाइगर के कारनामे खूब रंग दिखा रहे हैं। बात करें फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर की, तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें ज्यादा परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उन्होंने उसे बखूबी निभाया। फर्स्ट हाफ में उनकी कॉमिक टाइमिंग रिलीफ देती है और हंसाने का काम करती है। बाकी पिछली सारी फिल्मों के कंपैरिजन में श्रद्धा ने बागी 3 से अपनी हॉटनेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खासकर 10 बहाने गाने में तो आग ही लगा रही है। टाइगर के बाद जिसे इम्पोर्टेंस मिली है वो है रितेश देशमुख। हालांकि फिल्म में कहीं नहीं बताया गया कि रितेश इतने स्लो क्यों है, मतलब कि वो हमेशा मुसीबतों में क्यों फंस जाते हैं और उन्हें क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते। इस सब के बावजूद वो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि काफी ऑकवर्ड लगता है। ऐसे ही फिल्म के कई लूप होल्स हैं जहां आप कन्विंस नहीं हो पाएंगे। बात करें सीरिया वाले सीन की, तो वो आपको जरूर टेरिफाई करेगा और विलन्स को देखकर आप डर जरूर जाएंगे। खासकर अबू जलाल जो फिल्म का मेन विलन है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर फरहाद सामजी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं अबू जलाल के डायलॉग्स के लिए, जो कि अबू जलाल के कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अबू ने अपने किरदार के साथ बखूबी न्याय किया है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक एवरेज है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिल्म में ज्यादा गाने नहीं है, लेकिन अहमद खान के एक्शन डिजाइन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अनफॉर्चुनेटली ये बात हम कैमरा वर्क और CGI के लिए नहीं कह सकते। दोस्तों CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, यानी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके आप रियल सीन्स और एनिमेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इस फिल्म में CGI काफी वीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप धमाकेदार एक्शन के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, लेकिन कहानी की ज्यादा उम्मीद ना रखें। दोस्तों बॉलीवुड के लिए 2020 के पहले 2 महीने अच्छे नहीं रहे। अजय देवगन की फिल्म तानाजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में अब सारी उम्मीदें टाइगर श्रॉफ की बागी 3 से है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रहे सूखे को खत्म कर देगी। आपको बता दें तानाजी ने अब तक 370 करोड़ रुपए पार कर लिए हैं और बागी 3 के सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है। बागी 3 के सामने कई अड़चने हैं जो बागी 3 को पार करनी होगी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो बागी 3 को बनाएगी 500 करोड़ फिल्म। नंबर 1, बागी और बागी 2 का फैंस के बीच गजब का क्रेज। दोस्तों बागी और बागी 2 सुपरहिट रही थी और टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। बागी 3 का ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आया था और इसने 3 ही दिनों में 100 मिलियन क्रॉस कर लिए थे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए ये बात तय मानी जा रही है कि ये फिल्म वीकेंड में धमाका ही करेगी। इस फिल्म से सिंगल स्क्रीन वालों को भी बहुत उम्मीद है। लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जिससे सिंगल स्क्रीन वाले कमाई करने की सोच रहे हैं। फिल्म छोटे शहरों में भी अच्छा बिजनेस कर सकती है। बागी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन पर भी ये फिल्म काफी भीड़ जुटा रही है। हालांकि बागी 2 वाला क्रेज नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर शाम और रात वाले शो पूरी तरह से भरपाई कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें बागी 3 को टोटल 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है, जिनमें से 1100 बाहर कंट्रीज की है और बागी 3 के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं। इस फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का एक्शन आपको नजर आएगा, जिसे 5 देशों की टीम्स ने तैयार किया है। अब भाई जब इतना ज्यादा फिल्म में भरा हुआ है तो लोग पागल होंगे ही। चलिए अब बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में जो बागी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गड़बड़ा सकती है। नंबर 1, बोर्ड एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, मार्च में चल रही परीक्षाओं की वजह से माहौल टेंस्ड है और ऐसे में लोग कम ही फिल्में देखने जाते हैं। यहाँ तक 10th और 12th के बच्चे भी इस बात से बेहद परेशान थे कि बागी 3 बोर्ड एग्जाम के दौरान क्यों रिलीज की जा रही है, और साथ ही बच्चों ने बागी 3 की रिलीज डेट टालने की भी अर्जी पेश की थी, लेकिन ये सब हो न पाया। दोस्तों जो सबसे बड़ा रास्ते का कांटा बनता जा रहा है वो है कोरोना वायरस।
आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है और अब इंडिया में भी लोग डर के साए में हैं। कोरोना वायरस के डर के कारण फिल्म की ओपनिंग पर असर पड़ सकता है क्योंकि लोग पब्लिक प्लेस में जाने से कतरा रहे हैं। खैर, इन सब के बावजूद अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म 25 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ही लेगी। बागी 2 के पहले दिन के कलेक्शन से बागी 3 आगे निकल पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बागी 3 बन पाएगी 500 करोड़ी फिल्म, और क्या यही फिल्म है जो तानाजी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बागी 3 में एक बार फिर टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग टाइगर के एक्शन की तारीफ करते हुए उन्हें रॉकेट बता रहे हैं। वहीं फिल्म की भी तारीफ हो रही है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के अलावा रितेश देशमुख ने अहम किरदार निभाया है। श्रद्धा कपूर ने टाइगर की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है, वहीं रितेश ने टाइगर के भाई की भूमिका निभाई है। बागी 3 पूरी दुनिया में 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, जिसमें भारत में 4400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। टाइगर की यह पहली फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पर रिलीज हुई है और इसी के साथ टाइगर के फैंस ने बागी 3 देखने के लिए एडवांस बुकिंग कराए। फिलहाल सोशल मीडिया पर बागी 3 ट्रेंड पर है, हर जगह चर्चा सिर्फ टाइगर की हो रही है। टाइगर के फैंस को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। कुछ लोगों ने तो फिल्म को 4 स्टार देते हुए इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने बागी 3 को शानदार फिल्म बताया। टाइगर के एक्शन सीन्स और परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है, इसे बेस्ट एक्शन मूवी भी बताया। इसके बाद टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा ने बागी 3 देखने के बाद लिखा, मेरे बागी भगवान तुम्हारा भला करे, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि तुमने मुझे कितना गर्व महसूस कराया है। बागी 3 की शानदार कास्ट और क्रू को भी आशीर्वाद। टाइगेरियन और एक्शन फैंस जाओ और फिल्म देखो, हिंदी सिनेमा में तुमने ऐसा एक्शन नहीं देखा होगा। जान लगा दिया इस शानदार फिल्म को देने के लिए। किसी ने टाइगर के एक्शन सीन्स और परफॉर्मेंस की तारीफ की है तो किसी ने इसे बेस्ट एक्शन मूवी भी बताया है। फैंस गेस कर रहे हैं कि फिल्म आसानी से 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। यहां तक कि किसी ने ये भी लिखा कि ये फिल्म पूरी तरह से एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें एक्शन सीन्स की भरमार है, पूरा फोकस एंटरटेनमेंट पर है। बिना किसी शक के ये फिल्म बॉलीवुड की अभी के समय में रिलीज हुई बेस्ट एक्शन फिल्म है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। फिल्म को 4 स्टार दिए हैं और टाइगर की फिल्म को पैसा वसूल बताया है और टाइगर के परफॉर्मेंस की तारीफ भी की है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस मूवी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था उसकी रिलीजिंग हो चुकी है और देश विदेश में ये 6000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। बागी 3 मूवी की फर्स्ट डे स्क्रीनिंग पर बहुत से सितारे रहे मौजूद, जिसमें दिशा पाटनी, रितेश देशमुख, वरुण धवन, चंकी पांडे, श्रद्धा कपूर, तारा सुतारिया, फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, संजय कपूर, पूजा हेगडे, कबीर खान, बागी 3 के डायरेक्टर अहमद खान और पूरी कास्ट एंड टीम समेत कई हस्तियां स्क्रीनिंग पर मौजूद रही। बागी 3 के ट्रेलर के बाद से ही इस मूवी के एक्शन की जमकर तारीफ हो रही थी। इस मूवी की रिलीजिंग के बाद से ही इसके काफी एक्टर भी फैन हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं टाइगर श्रॉफ के पापा यानी जैकी श्रॉफ, जिन्होंने कहा कि अपना बच्चा डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, इस मूवी की जान है इसके एक्शंस। इसी पर सलमान खान ने कहा कि यंग एक्शन हीरोज में मुझे सबसे अच्छा लगता है टाइगर श्रॉफ। मूवी वॉर के बाद से ही ऋतिक और टाइगर में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी मूवी पर ऋतिक ने कहा कि अगर इसी स्पीड से टाइगर श्रॉफ एक्शन करते रहे तो उनको बॉलीवुड में टॉप पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मूवी की अगर बात करें तो ये पहले वाली दोनों मूवीज को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि इसके ट्रेलर से ही धमाका मच गया था, तो मूवी तो जबरदस्त परफॉर्म करेगी ही।
इस मूवी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं, जैसे कि इसमें सर्बिया की आर्मी ने खुद हेलीकॉप्टर और टैंक चलाए, इसमें सर्बिया की गवर्नमेंट ने भी काफी साथ दिया। इस मूवी को लेकर अफवाह भी थी कि इसमें VFX यूज हुए हैं, जिसको सिरे से नकार दिया गया, ये कहकर कि इसमें रियल एक्शन है और 400 से ज्यादा रियल धमाके भी इस मूवी का पार्ट रहे हैं। इसमें जितने भी वेपन्स और टैंक्स यूज हुए हैं सब असली थे, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस मूवी के एक्शन ही इस मूवी की जान है। ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी ये इसकी रिलीजिंग के एक हफ्ते बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका फर्स्ट डे काफी अच्छा जा रहा है। बागी 3 का टीजर कब आ रहा है? टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? टाइगर श्रॉफ क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है? टाइगर श्रॉफ की कौन कौन ब्लॉकबस्टर फिल्में आने वाली हैं? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब 29 साल के हो गए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। टीन एजर्स के बीच टाइगर की लोकप्रियता देखते ही बनती। उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलीवुड के दिग्गजों को हैरान कर चुकी है। टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते। पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते। टाइगर श्रॉफ का जन्म मुंबई में हुआ था। साजिद नाडियावाला की फिल्म हीरोपंथी के साथ टाइगर ने 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी। टाइगर डांस के शौकीन और फिटनेस फ्रीक भी। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीढ़ी के युवा के विपरीत ना तो शराब का सेवन करते हैं और ना ही सिगरेट को हाथ लगाते हैं। हालांकि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिगरेट को मुंह लगाया था, लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमिटमेंट का नाम दिया। टाइगर का असल नाम हेमंत श्रॉफ है। उनके करीबी बताते हैं कि बचपन में वो बहुत काटते खरोचते थे, जिसकी वजह से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया। टाइगर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर के डांस की भी काफी तारीफ होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर ने डांस की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी। एक शो के दौरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता। होस्ट ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजात डांसर लगते हैं, तो इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, बस कोरियोग्राफी पर मेहनत करता हूं। अगर आप मुझसे इस वक्त डांस करने के लिए कहेंगे तो शायद मैं ना कर पाऊं। मैं वही कर पाता हूं जो सिखाया जाता है। अपने 5 साल के करियर में टाइगर ने 6 फिल्मों में काम किया। हीरोपंथी उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद बागी, ए फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल और बागी 2 रिलीज हो चुकी। आने वाली फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 है, जो कि 10 मई को रिलीज होगी। फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर का नाम दिशा पटानी से जोड़ा जाता है। दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया। दिशा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक है। दोनों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक है। टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहद गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने रैम्बो और बागी 3 जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन्स देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है। टाइगर श्रॉफ ने इसकी एक झलक अपने फैंस को भी एक वीडियो के जरिए दिखलाई। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथापाई करते हुए दिखाई दी। टाइगर श्रॉफ के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन स्टंट और फाइट सीन्स इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते। टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते हुए देखा गया। टाइगर श्रॉफ इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुनिया भर के आर्टिस्ट संग काम करने व सीखने की शानदार खुशी होती। मैं आपको बता दूं, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसमें टाइगर और ऋतिक का जोरदार अंदाज देखने को मिलेगा। टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम शुरू हो गया और टाइगर का खतरनाक एक्शन इसमें देखने को मिलेगा। यही नहीं, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के ऑफिशियल रिमेक में भी लीड रोल में है और टाइगर श्रॉफ ने कहा है कि वो बागी 3 का टीजर बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले। कुछ लोगों का मानना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ बागी
3 का टीजर भी लॉन्च किया जाएगा। बॉलीवुड में तो आए दिन कोई न कोई डेब्यू करता ही रहता है, लेकिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही छा जाते हैं। उन्हीं लिस्ट में एक नाम जुड़ा 2012 में। बॉलीवुड में आते ही कहता है क्या करो यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ के बारे में। साजिद नाडियाडवाला की हीरोपंती से डेब्यू किया और आते ही आते एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिट फिल्में दी। बागी 2 के सक्सेस के बाद इसके डायरेक्टर ने इसके सीक्वल यानी कि पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी, जहां इसके पहले पार्ट यानी कि 2016 में रिलीज हुआ, सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में, वो भी रिलीज हुआ, जिसने 253 करोड़ का कलेक्शन किया। 59 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया। अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उम्मीद की जा रही है। टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौंका दिया है, और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस। बागी 3 एक एक्शन मूवी है। फिल्म में लीड में है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई, उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन श्रद्धा के बारे में सभी जानते हैं और एक बार फिर से डायरेक्टर मजबूर हो गए श्रद्धा कपूर को लेने के लिए। सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइजी बागी की तीसरी फिल्म में श्रद्धा कपूर बतौर हीरोइन नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर बागी 3 में आने के बाद साजिद नाडियाडवाला कहते हैं श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है। बागी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस फ्रेंचाइजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी एक्साइटेड होंगे। इसी बात पर श्रद्धा कपूर का कहना है कि फैमिली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ। ये साजिद सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, टाइगर संग दूसरी और अहमद सर के साथ पहली फिल्म होगी। मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि इसमें धमाकेदार एक्शन है और टाइगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है। ये सभी जानते हैं बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट और धमाकेदार एक्शन सीन्स बागी 3 में नजर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जिसकी तैयारी अहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी। अहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हथियारों के साथ ट्रेनिंग ली। फिल्म के लिए रिसर्च के दौरान अहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उम्दा ट्रेनिंग कैंप्स हैं। लिहाजा नंबर 1 में टाइगर सीरिया जाकर धूम सीरीज के बाद ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में साबित होगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ कि अक्षय कुमार किस रोल में नजर आएंगे। देखा जाए तो अक्षय हर तरह की रोल निभाने में सक्षम है और ये बात उन्होंने 2.0 जैसी फिल्म देकर प्रूफ कर दी है। अब ऐसे अगर विलेन के रूप में सामने आते हैं तो अक्षय और टाइगर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिलचस्प होगा, या अगर सपोर्टिंग रोल में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ उन स्टार्स में से हैं जो आते ही छा गए। टाइगर श्रॉफ युद्ध के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए। टाइगर ने बहुत कम फिल्में की, लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है। कुछ फिल्में देकर इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि सभी को दीवाना बना देते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी फिल्म एंटर द ड्रैगन ब्रूस ली की फिल्म से। उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखने का मन बना लिया। टाइगर ने टाइकोंडो में 5 डिग्री बेल्ट हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर बात करें डांस की तो माइकल जैक्सन और बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर है। उनका ड्रीम था कि वो ऋतिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करे और नजर आए। उनका मानना है कि ऋतिक जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। वो मेरे आइडल हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर भी हैं। उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। जब उनकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। ट्रेलर से ज्यादा लोगों ने टाइगर के लुक के बारे में बात करना शुरू किया। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे थे। जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने 3 दिन में ही 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। ये एक नॉन एक्टर और एस्टैब्लिश एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म ने ओवरऑल 50 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म सक्सेसफुल होने के बाद लोगों का परसेप्शन टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी फैन फॉलोइंग
किसी स्टार से कम नहीं। लेकिन शुरुआती दिनों में टाइगर के ऊपर बड़ा प्रेशर था क्योंकि वो एक स्टार किड थे। टाइगर को उनके पापा यानी कि जैकी श्रॉफ से हमेशा कंपेयर किया जाता था। माना कि दोनों के करियर की शुरुआत काफी अलग थी, लेकिन फिर भी, और ये बात खुद टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ कंपेयर किया जाता था, इसलिए फेलियर का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चक्कर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें एक्शन हीरो माना जाता है, द रियल एक्शन हीरो, इसलिए उनकी दूसरी फिल्म बागी भी कामयाब रही। टाइगर उन एक्टर्स में से हैं जो बॉडी डबल और स्टंट मैन का यूज नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते एक्चुअल में। उनका कहना है कि अगर सारे रिस्क स्टंट, लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले थे, जैसे कि M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर। साथ ही साथ श्रद्धा भी कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग ले रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा इन दिनों फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनी हुई है। वो बागी 3 के अलावा वरुण के साथ स्ट्रीट डांसर समेत 5 बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली है। नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर, तो पहली फिल्म है बागी 3। श्रद्धा कपूर को बागी 3 के लिए फाइनल कर लिया गया है। वो एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्रद्धा बागी का हिस्सा तो रह चुकी हैं। इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कथित गर्लफ्रेंड ने अहम भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म है स्ट्रीट डांसर। रेमो डिसूजा की इस फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी श्रद्धा कपूर नजर आएंगे, उनके अपोजिट वरुण धवन होंगे। बता दें कि साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की सक्सेस के बाद रेमो डिसूजा स्ट्रीट डांसर लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। उसके बाद है साहो। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर प्रभास साहो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के साथ श्रद्धा तेलुगु सिनेमा में अपना सफर शुरू करने जा रही है। ये फिल्म 15 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। बता दें कि प्रभास और श्रद्धा पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। छिछोरे। सुपरहिट फिल्म दंगल डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म छिछोरे फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसमें पहली बार श्रद्धा कपूर को सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखा जाएगा। ये फिल्म 30 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। साइना नेहवाल बायोपिक। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पर बायोपिक बन रही है, जिसमें उनका किरदार श्रद्धा कपूर निभा रही है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये फिल्म भी इसी साल के आखिरी महीने में रिलीज होगी। दोस्तों, इन दोनों नाम के अलावा एक और नाम सामने आया है, वो है अक्षय कुमार का। अफवाह की माने तो सुपर हिट बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानी कि बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार भी फाइनल होंगे। बागी 2 की बेजोड़ सफलता के बाद साजिद नाडियाड वाला इस फिल्म को पहली दो फिल्मों से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने टाइगर के साथ अक्षय कुमार को जोड़ने की प्लानिंग की है। फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बागी 3 को 100 करोड़ के तगड़े बजट पर बनाया जाएगा, लिहाजा मेकर्स 300 करोड़ की कमाई की उम्मीद कर रही हैं। और इसीलिए टाइगर और अक्षय दोनों को एक साथ लाया जा रहा है। जाहिर है दोनों एक्टर्स एक्शन के मामले में शानदार हैं। अगर सारे रिस्की सीन एक स्टंट मैन करेगा तो उनका पूरा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। हीरो से ज्यादा स्टंट मैन अपने जान का जोखिम डालते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के स्टंट के सभी कायल हैं और ये बात उन्होंने हीरोपंती, बागी, बागी 2 में सब में प्रूफ किया और हर फिल्म में एक लेवल हमेशा बढ़ा ही है। बागी 2 में उन्होंने 120 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाया था। फिल्मों के अलावा साथ साथ इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, प्रॉड। ये एक एक्टिव फैशन क्लोथिंग ब्रांड है जिसकी वैल्यू मार्केट में $4 बिलियन है। दोस्तों, रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे क्योंकि इसी से हमारी फिल्मों की शुरुआत होती है, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड। इन वर्ड का इस्तेमाल कर कुछ डायरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं इनके अंदर जिन्हें पूरी दुनिया याद रखती है। बॉलीवुड कहें या इंडीवुड, ये एक ऐसी सिनेमा यूनिवर्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है, लगभग 2000 एक साल में। अगर बॉलीवुड और बाकी की फिल्म इंडस्ट्री को अलग करें, जैसे कि टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड, हॉलीवुड और चॉलीवुड, तो 46% आउट ऑफ 100 बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मिलाकर 36% और रेस्ट ऑफ 12% बाकी की इंडस्ट्री। बॉलीवुड को दुनिया की बिगेस्ट मूवी इंडस्ट्री मानी जाती है, चाहे अब वो एम्प्लॉयड को लेके हो, मतलब कि कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस को लेके हो। एक रिपोर्ट की माने तो 2014 में ओवर 3.5 बिलियन टिकट्स बिके थे पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर, और 9 लाख टिकट बिके थे सिर्फ इंडिया के बॉलीवुड सिनेमा से, जो कि हॉलीवुड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। बॉलीवुड के पास एक से बढ़कर एक डायरेक्टर्स हैं, और यूं कहें कि थे भी, चाहे वो यश चोपड़ा हो जिन्होंने दीवार, वीर जरा, डर, काला पत्थर, त्रिशूल, वक्त, कभी कभी, लम्हे, सिलसिला, इत्तेफाक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी, संजय लीला भंसाली जिन्होंने ब्लैक, देवदास, खामोशी द म्यूजिकल, गुजारिश, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में दी, करण जौहर, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों को कोई नहीं भुला सकता। वहीं आदित्य चोपड़ा
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें। ये बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स हैं और उनकी फिल्में हैं जो काफी फेमस हुई थी। हमारे बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता, और ये सफर शुरू हुआ था 1939 से और अभी तक लाखों करोड़ों फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो सदियों तक लोगों को याद रहेंगी, जो अमर हो चुकी है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पहली फिल्म का नाम लूंगा अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मेरे ख्वाबों में जो आए। ये उस समय हर लड़की और हर लड़के की जुबान पे चढ़ा हुआ था जो भी 16 से 20 साल की उम्र में था। हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, और अगर हुआ होता तो उस लिस्ट में मैं भी शामिल होता। इस फिल्म के डायलॉग हम आज भी यूज करते हैं, और पलट 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 वाला डायलॉग तो सबको याद ही होगा। राज, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। या फिर इस फिल्म का दूसरा डायलॉग, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आई नो इट्स वेरी बैड, लेकिन इस फिल्म ने नए यूथ को कई सारे मैसेजेस दिए कि सपने देखो, जरूर देखो, बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था सभी जानते हैं, आदित्य चोपड़ा ने। कास्ट में थे द किंग खान और काजोल। इस फिल्म के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी के पास नहीं, वो है सबसे ज्यादा सिनेमा घरों में चलने वाला इनोसेंस और प्योर लव स्टोरी। इसके बाद आती है 2001 में आई फिल्म गदर, कोई नहीं भूल सकता। फिल्म में लीड में थे सनी देओल, और उनका उस फिल्म में डायलॉग ओए होए होए, पूछो ही मत। कुछ डायलॉग्स पे नजर डाल ही लेते हैं तो, अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अगला डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। ये कुछ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे, ऐसे डायलॉग्स और भी हैं पूरे फिल्म में। फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 करोड़ का। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने और सनी पाजी का उखाड़ा हुआ हैंडपंप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगला नाम है मदर इंडिया। फिल्म आई थी 1957 में। फिल्म को लिखा था महबूब खान ने, डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था महबूब खान ने। फिल्म में लीड में थे नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार। ये एक्टर तो सबको याद होगा, और कोई हो ना हो, इनकी हर कोई नकल करता था, मिमिक्री करता था, जाने हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर। इनके रूल्स काफी अलग थे, जहां आज की जनरेशन कैमरे को पूछती है, लेकिन इनका था कि कैमरा पहले इनके चरणों में आके गिरे और उसके बाद ये कोई शॉट देंगे। आपने अगर नोटिस भी किया होगा तो इनकी एंट्री में पहले इनके जूते दिखाई देते थे, उसके बाद कुछ अलग आता था। इस फिल्म की कहानी एक गांव में गरीबी से लड़ रही राधा की कहानी है, जो अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए बहुत मेहनत करती है, और फिल्म के एंड में वो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। फिल्म सुपर डुपर थी। इस फिल्म ने उस समय 80 मिलियन का कलेक्शन किया था। 80 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अब आगे खुद ही हिसाब लगा लो। 1976 की वो फिल्म जिसमें बसंती और धन्नो एक्टर से भी ज्यादा लाइमलाइट में रहे, मैं बात कर रहा हूँ शोले की, जिसे डायरेक्ट किया था रमेश शिल्पी ने, जिसे लिखा था सलीम जावेद। ये जोड़ी कमाल की जोड़ी थी, एक कहानी सोचता था तो दूसरा उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन शब्दों में पिरोता था और दुनिया को देता था। इस फिल्म के कैरेक्टर जय वीरू गब्बर या उनके डायलॉग्स, कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अब तेरा क्या होगा कालिया। इसके साथ ही और भी ना जाने कितने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे इस फिल्म के। कास्ट को देखे तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन। अगला नाम द वन एंड ओनली, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम। 1960, डायरेक्टेड बाई के आशिफ। लगभग 3 घंटे की ये फिल्म थी और अपने आप में ही एक ऐतिहासिक। इस फिल्म को इसके गाने, डायलॉग्स और सेट्स के लिए आज भी जाना जाता है। अगर कुछ डायलॉग्स की बात करें तो, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुझे जीने नहीं देंगे। एक और डायलॉग है जो हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने पिता से कहना चाहता है कि मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। अगली फिल्म है धर्मवीर, 1977, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। फिल्म में लीड में थे धर्मेंद्र और जितेंद्र। अगली फिल्म है
क्रांति। फिल्म को लिखा सलीम जावेद, डायरेक्टेड और प्रोड्यूस बाई मनोज कुमार। इस फिल्म में लीड में थे दिलीप कुमार और इन्हें एक प्यार करने वाला यानी कि आशिक और शराबी कभी नहीं भूल सकता। इनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि सांसें ले सकूं। या फिर उनका एक और डायलॉग है कि तकदीर बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, शहंशाहें बदल जाते हैं, मगर इस बदलती दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का हाथ थाम ले वो इंसान नहीं बदलता है। क्रांति फिल्म को अब तक की सबसे अच्छी और देशभक्ति फिल्म कही जाती है। हम बात कर रहे थे बागी 3 के बारे में, तो जान लेते छोटी मोटी जानकारी। तो बागी 3 की फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन 2019 में टाइगर की व्यवस्था यानी कि बिजीनेस को देख के उम्मीद की जा रही है कि बागी 3 अगले साल यानी कि 2020 में धमाका करेगी, जहां फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। फिल्म का बजट है 100 करोड़ और कहा जा रहा है कि ये फिल्म आराम से 300 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। फिल्म प्रेजेंटेड बाय साजिद नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फॉक्स स्टार स्टूडियोज। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बागी 3 के लिए अक्षय कुमार से बात की जा रही है और अक्षय कुमार की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जब बागी 2 रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन की बहुत तारीफ की थी और इसीलिए माना जा रहा है कि फिल्म में विलन की भूमिका अक्षय कुमार निभाएंगे। और इसी के साथ अक्षय कुमार के जुड़ने से फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में 500 करोड़ कमा सकती है। दोस्तों पिछले साल बागी 2 से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाले टाइगर श्रॉफ इस साल भी कई धमाके करने वाले हैं। इस साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद वो यशराज बैनर के तले ऋतिक रोशन के साथ धमाकेदार एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं। और तो और अब उन्होंने 2020 भी अपने नाम कर लिया है, जी हाँ, हाल ही में उन्होंने अगले साल आने वाली अपनी बड़ी फिल्म का ऐलान कर दिया है और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी का तीसरा सीक्वल है। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बागी 3 का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये फिल्म अगले साल यानी कि 2020 की 6 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी टाइगर के जबरदस्त एक्शन सीन से भरी होगी। बागी 2 से इम्प्रेस्ड फैंस अब बागी 3 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और ऋतिक रोशन की फिल्म के साथ टाइगर अपने कई फ्लेवर फैंस के सामने पेश करने वाले हैं। और आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने दो बड़ी सीक्वल फिल्में भी फाइनल कर ली है और ऐसा मालूम होता है कि बॉलीवुड में अब सीक्वल फिल्मों का दौर चल रहा है। दोस्तों टाइगर श्रॉफ के लिए बीता साल काफी धमाकेदार रहा है, जहां फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए, तो वहीं एक के बाद एक टाइगर को फिल्में भी मिलती रही। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में टाइगर एक से बढ़कर एक किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाइगर बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टाइगर के खाते में इस समय कौन कौन सी धमाकेदार फिल्में हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में टाइगर दो हसीनाओं के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगे और इस फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आने वाली है और फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं पुनीत मल्होत्रा। दोस्तों वहीं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अनाम फिल्म यशराज बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए पहली दफा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। तो वहीं बीते साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर बागी 2, दोस्तों ये फिल्म खासी चर्चाओं में थी और फिल्म का ट्रेलर ही इतना जबरदस्त था कि मेकर्स ने इसकी रिलीज से पहले ही इसके अगले पार्ट का ऐलान कर दिया था। वहीं हाल ही में टाइगर को रोहित शेट्टी के ऑफिस के बाहर भी देखा गया है, जी हाँ, और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही टाइगर रोहित की एक्शन फिल्म में देख सकते हैं। और आपको बता दें कि रोहित काफी लंबे समय से टाइगर के साथ फिल्म भी बनाना चाहते थे। तो वहीं दोस्तों अब टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के रीमेक में भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि टाइगर श्रॉफ बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है और बीते साल उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म दी और उस फिल्म ने 160 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी।
दरअसल हम बात कर रहे हैं बागी 2 के बारे में। टाइगर ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि बागी 2 को लोग इतना पसंद करेंगे, लिहाजा उसकी सफलता के बाद अब मुझ पर प्रेशर और बढ़ चुका है। अब लोगों को इस सीक्वल से और मुझसे उम्मीदें ज्यादा होने लगी हैं। तो दोस्तों, इसीलिए टाइगर ने कहा कि स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस करने पड़ रहे हैं और उसे भव्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे लोकेशंस की तलाश की जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिल्म मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, पर फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार को जोड़ा जा सकता है। वैसे अक्षय कुमार के सितारे अभी बुलंदियों पर हैं। दोस्तों, बागी 3 की बात करें तो बागी 3 एक एक्शन ड्रामा लव स्टोरी है जिसमें हॉलीवुड के किसी एक्टर को लिया जाएगा क्योंकि स्टोरी की डिमांड ऐसी है। वहीं दोस्तों, फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए रखा गया है। बागी 3 के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी गई है और फिल्म 6 मार्च 2020 को रिलीज की जाएगी और फिल्म का निर्देशन करेंगे अहमद खान। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और इसमें टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी और ये फिल्म 10 मई 2019 को रिलीज की जाएगी। वैसे दोस्तों, अभी टाइगर श्रॉफ यशराज की सुपर बिग बजट एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें ऋतिक रोशन और वाणी कपूर नजर आएंगे और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि टाइगर की आने वाली सभी फिल्मों से बॉलीवुड को करीब 2000 करोड़ का फायदा होने वाला है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? आखिर क्या कारण है कि सलमान खान की फिल्म बागी से बागी 3 की तुलना की जा रही? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइगर श्रॉफ की बागी बनी थी वो एक प्रकार से सलमान खान की फिल्म बागी का रिमेक थी और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाल नहीं मचा पाई थी। लेकिन सलमान खान का एंग्री यंग मैन वाला जो करेक्टर था वो काफी लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ था और इसी फिल्म का रिमेक जो है टाइगर श्रॉफ ने करवाया था जिसमें उन्होंने कमाल का अभिनय किया था और जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। आखिर क्या कारण है कि टाइगर श्रॉफ की तुलना आजकल कुछ लोग सलमान खान से कर रहे हैं? मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि सलमान खान की तुलना टाइगर श्रॉफ से नहीं करनी चाहिए क्योंकि सलमान खान की एक अलग शैली है और टाइगर श्रॉफ की एक अलग शैली है। जहां सलमान खान एक आइकॉनिक करेक्टर है, एक प्रकार से एक आइडियल करेक्टर है, उनका समाज में एक प्रकार से दबंगई है, एक प्रकार से समाज में उन्हें लोगों का एक्टर कहा जाता है, वहीं टाइगर श्रॉफ भी सलमान खान से कुछ कम नहीं है क्योंकि टाइगर श्रॉफ नाच सकते हैं, बोल सकते हैं और अभिनय कर सकते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ के रूप में एक अच्छा अभिनेता मिला है और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म यानी कि बागी 3 के लिए अक्षय कुमार से बात की गई है। वाह, कमाल की बात है कि अगर बागी 3 से अक्षय कुमार जुड़ते हैं तो यह फिल्म जरूर भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बन जाएगी क्योंकि एक्शन करने में हमारे अक्षय कुमार का कोई जवाब ही नहीं। उनकी खिलाड़ी सीरीज की कोई भी फिल्म उठाकर आप देख लीजिए, अक्षय कुमार ने लाजवाब एक्शन किया है। अब जब बागी 3 में अक्षय कुमार अभिनय करेंगे तो बागी 3 जो है और भी बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी क्योंकि मेकर्स इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाने के लिए किसी बड़े स्टार को तो लाना ही पड़ेगा, तो अक्षय कुमार जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन अभी फिल्मी गलियारों में एक और हलचल मची हुई है कि टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि अगर इस फिल्म से अजय देवगन जुड़ जाए। अब भैया, जो आंखों से अभिनय करने वाला इंसान इस फिल्म से जुड़ेगा तो यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों को साथ में रख लो, फिर देखो कि ये फिल्म कितनी बड़ी होती है।
वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 से 50 करोड़ का बिजनेस पहले दिन कर सकती है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म 300 करोड़ फिल्म होगी, और तो और यह फिल्म 500 करोड़ तक का भी बिजनेस कर सकती है। जैसा कि इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का मानना है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में लाजवाब है, लेकिन मेरी बात, मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इस फिल्म के साथ सलमान खान को क्यों जोड़ा जा रहा है। माना कि सलमान खान के फिल्म बागी का रिमेक थी बागी, लेकिन सलमान खान कहीं और तो टाइगर श्रॉफ कहीं और, जहां बॉक्स ऑफिस के किंग माने जाते हैं सलमान खान, और वाकई वो किंग है। और टाइगर श्रॉफ एक उभरता हुआ अभिनेता है, एक उभरता हुआ सितारा है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, खास करके इस मीडिया से, कि टाइगर श्रॉफ की तुलना आप सलमान खान से ना करें, क्योंकि सलमान खान की दिशा अलग है और टाइगर श्रॉफ की दिशा अलग है। दोनों नदी के दो किनारे हो सकते हैं जो दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन दोनों में दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ सलमान खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो वजह है कि टाइगर श्रॉफ का कहना है कि कभी भी वो सलमान खान की फिल्म के सामने अपनी फिल्म नहीं उतारेंगे। बागी सीरीज में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की एंट्री हो चुकी है। खबर है कि बागी 3 के लिए साजिद नाडियावाला ने टाइगर श्रॉफ के अपोजिट सारा अली खान को अप्रोच किया था, लेकिन सारा अपने रोल से फिल्म में खुश नहीं थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी और एक बार फिर से फिल्म आ गिरी श्रद्धा कपूर की झोली में। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर बागी सीरीज की पहली फिल्म में दिखाई दिए थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। फिल्म में श्रद्धा कपूर काफी एक्शन करती नजर आई थी, लेकिन उन्हें याद रखा गया था उनके गाने यानी कि छम छम के लिए। अब एक बार फिर से फैंस उन्हें और टाइगर को एक साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। फिल्म का एक पोस्टर और ऐलान पहले ही किया जा चुका है और फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है। श्रद्धा कपूर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और मैं एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी में वापस आकर बेहद खुश हूँ। गौरतलब है कि बागी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2018 में बागी 2 रिलीज हुई और अब 6 मार्च 2020 को फिल्म का तीसरा इंस्टॉलमेंट दर्शकों के सामने होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागी फिल्म में श्रद्धा ने काफी धमाल मचाया था और दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने पूरे नंबर दिए और सबको उम्मीद भी थी कि बागी 2 की हीरोइन भी श्रद्धा ही होंगी। लेकिन बागी 2 में रियल लाइफ कपल टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी की एंट्री हुई और अब जाहिर सी बात है कि इस जोड़ी को टाइगर श्रद्धा से ज्यादा प्यार मिलना ही था। और इतना ही नहीं, सबको उम्मीद थी कि बागी 3 में भी दिशा ही होंगी, तो वहीं अब बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की वापसी हो चुकी है। फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है और माना जा रहा है कि फिल्म एक्शन और कहानी के स्तर पर पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ी होगी। दोस्तों, वहीं टाइगर और श्रद्धा की बागी जो कि 37 करोड़ के बजट पर बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 127 करोड़ की कमाई की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। वहीं बागी के विलन थे साउथ के सुपरस्टार सुधीर बाबू और फैंस ने उनका बॉलीवुड में बाहें फैलाकर स्वागत किया था। और अब देखते हैं कि बागी 3 में कौन विलन होता है। तो वहीं बागी 2 के साथ अब टाइगर श्रॉफ सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं। फिल्म ने 25 करोड़ की ओपनिंग के साथ सबको चौंका दिया था और इसी के साथ टाइगर दिशा की जोड़ी ने कई बड़े एक्टर्स को पटखनी दी थी। बागी 2 का बजट था 59 करोड़ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इसी के साथ टाइगर श्रॉफ अपनी जनरेशन के सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं। श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास बेहद अच्छी फिल्मों का पिटारा है। एक तरफ वो दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट दिखाई देंगी, तो साइना नेहवाल की बायोपिक में भी वो नजर आने वाली है। वहीं अब वो वरुण धवन के अपोजिट रेमो डिसूजा की स्ट्रीट डांसर का भी हिस्सा है। तो वहीं साउथ में भी धमाका होने वाला है। जी हाँ, श्रद्धा कपूर इस साल
प्रभास की साहो के साथ भी एक्शन धमाका करने वाली है और जिस फिल्म में वो प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। पर दोस्तों ये तो तय है कि मार्च 2020 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से एक्शन धमाका करने वाले हैं। लेकिन देखना ये है कि बागी 3 में दर्शकों को और क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों बॉलीवुड में जब भी एक्शन स्टंट और डांस की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आता है, क्योंकि जब से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है तब से उन्होंने अपने स्टंट सीन, एक्शन सीन्स और अपने डांस मूव्स से सभी फैंस को बेहद इम्प्रेस किया है और आज उनके इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंस हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म के एक एक्शन वीडियो उनका एक एक्शन वीडियो वायरल हुआ है जो इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को फाइनल कर लिया गया है। श्रद्धा कपूर को आपने फिल्म बागी में देखा होगा, जिसके बाद बागी 2 में दिशा पटानी नजर आई और उनकी एक्टिंग की भी काफी जमकर तारीफ की गई थी। लेकिन बागी 3 का अब हिस्सा बनने जा रही हैं श्रद्धा कपूर। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को भी निर्देशित करने वाले हैं निर्देशक अहमद खान और श्रद्धा कपूर से उम्मीद की जा रही है कि वो इस फिल्म में अपना जमकर एक्शन दिखाने वाली हैं और उनसे उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट होने वाला है बागी 3 का और इसमें और भी ज़्यादा बेहतरीन एक्शन स्टंट आपको देखने को मिलेंगे। और एक ये भी वजह है कि फिल्म से उम्मीदें ज़्यादा की जा रही है। इनफैक्ट उनके फैंस यानी कि टाइगर श्रॉफ के फैंस ने फिल्म रिलीज होने से पहले इसको ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 1,000 करोड़ का दमदार कलेक्शन कर लेगी। वहीं आपको बता दें कि इमरान हाशमी के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो आ गया है जो फिल्म में किसिंग सीन ना होने के बावजूद हीरोइन को किस कर देता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लाइंग जट मूवी के दौरान इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना आया था बीट पे बूटी, आपको तो याद ही होगा, जिस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने जैकलीन को किस किया था इस गाने के दौरान। लेकिन रेमो डिसूजा चाहते थे कि इस गाने के दौरान वो डांस करते वक्त थोड़ा सा क्लोज आए, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर किस की जरूरत हो तो वो किस कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों ही एक्टर आपस में नजदीक आए तो उन्होंने किस कर दिया। वैसे दोस्तों माना जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म यानी कि बागी 3 बॉलीवुड में काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, यानी कि 1,000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। बागी और बागी 2 की सक्सेस के बाद फैंस बागी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने बागी 3 की घोषणा के साथ साथ इस बात की अनाउंसमेंट भी की थी कि इस बार फिल्म के नए पार्ट में पहले से भी ज्यादा जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और जिसके बाद फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और पहले दिन ही 25 करोड़ का कारोबार करके अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी थी। और आपको बता दें कि साजिद ने बागी 3 को लेकर घोषणा तक की थी जब बागी 2 रिलीज भी नहीं हुई थी और सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आने वाला था। हाल ही में फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने बागी 3 ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और फिल्म को दर्शकों के सामने 2020 में लाने का फैसला किया है और जिसके बाद अब बागी 3 6 मार्च 2020 में रिलीज होगी। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फेसबुक पर फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 6/3/2020 ही विल रिटर्न। आपको बता दें कि दोस्तों पोस्टर के साथ ही फिल्म में टाइगर का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया है, जिसके बाद फैंस अपनी एक्साइटमेंट को बयां नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के इस तीसरे पार्ट में एक बड़े स्टार की एंट्री होने वाली है और दोस्तों ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी हमारे अक्षय कुमार हैं। और आपको बता दें कि काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं और अब ये बात सही साबित होने जा रही है, जिसके बाद दोस्तों अक्षय और टाइगर साथ में मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगे। हाल ही में अक्षय कुमार फिल्म 2.0 में नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अब अक्षय की फैन फॉलोइंग्स काफी बढ़ गई है और बताया जा रहा था कि काफी समय से अक्षय को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो टाइगर के साथ बागी 3 करे। मेकर्स का कहना था कि यदि अक्षय इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं
तो वो किसी और स्टार को फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे। आपको बता दे दोस्तों कि अक्षय और साजिद नाडियावाला काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं। अक्षय पहले भी साजिद के साथ फिल्म हाउसफुल के तीनों पार्ट्स में काम कर चुके हैं, जिसके रहते अक्षय इस फिल्म को करने के लिए मान गए। लेकिन दोस्तों अक्षय चाहते हैं कि उनका रोल भी फिल्म में टाइगर की तरह ही दमदार हो और इसी वजह से स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है। और जिसका मतलब तो ये है कि ये दो एक्शन हीरो इस फिल्म में एक साथ धमाके पर धमाके करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बागी 3 की शूटिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू होने वाली है और फिल्म का निर्देशन भी अहमद खान ही करने जा रहे हैं और टाइगर श्रॉफ ही फिल्म का हिस्सा होंगे और उनके साथ फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नजर आएंगी। दोस्तों काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि मेकर्स फिल्म के लिए सारा अली खान और जानवी कपूर के बीच काफी कंफ्यूज थे। वो इस फिल्म में किस एक्ट्रेस को लें? इस बात को लेकर हुए एक लंबे घमासान के बाद मेकर्स ने सारा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, जिसके बाद दोस्तों अब बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ सारा अली खान रोमांस करती नजर आएंगी। हाल ही में सारा फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ चुकी हैं और फैंस ने इस नई जोड़ी को खूब पसंद भी किया है। आपको बता दे कि फिल्म बागी 2 फिल्म बागी की अगली कड़ी थी और इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की अहम भूमिका थी, जिसके बाद बागी 2 बनी और उसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की अहम भूमिका थी। बागी 2 इस साल 30 मार्च को रिलीज हुई थी। बागी 2 में बागी के मुकाबले एक्शन और थ्रिल बेहद ज्यादा था। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, जिसके बाद फैंस बागी 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस जो कर दी है। और अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो वो फिलहाल करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में बिजी हैं और फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दे कि ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज होने वाली है। और अगर बात करें सारा की, तो वो फिलहाल फिल्म सिम्भा के प्रमोशन में बिजी हैं और फिल्म में सारा के साथ रणवीर सिंह और सानू सूद मुख्य भूमिका में हैं और फिल्म 28 दिसंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। तो दोस्तों आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपने हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया। टाइगर श्रॉफ इन दिनों बागी 3 के लिए एक्शन में हाथ साफ कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में 5 साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। युवा सितारों में ऐसा बिरला ही कोई स्टार होगा जो उन्हें एक्शन में टक्कर दे सके। टाइगर श्रॉफ ने भले ही बागी 3 के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभी भी फिल्म की अभिनेत्री की भूमिका के लिए एक नए चेहरे की तलाश में। पिछले 2 पार्ट में श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है। टाइगर श्रॉफ अपनी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदेशों से स्टंट विशेषज्ञों सहित विशेष रिहर्सल सेशन करने की योजना है। बागी 2 इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है, इसलिए तीसरे भाग से प्रशंसकों की उम्मीद दुगना बढ़ जाती है। बागी 3 के प्रशिक्षण में M16, AT-4 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का उपयोग सीखना शामिल है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्शन और ड्रामे की भरमार होगी, साथ ही टाइगर विभिन्न अवतार में नजर आएंगे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला को फिल्म के लिए जानी मानी अभिनेत्रियों द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि निर्माताओं ने ये अभी तय नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चयन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगा। देश भर में करवा चौथ के त्योहार को जोर शोर से मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद खास है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ मुहूर्त पर करवा चौथ मनाया जाता है, जो इस बार 27 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति में से देखने के बाद जल ग्रहण करती है। वैसे बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया है। करवा चौथ के मौके पर कुछ ऐसे गानों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं।
वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलीवुड की एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। फिल्म में दिखाया जाता है कि काजोल ये व्रत अपने होने वाले पति परमीश सेट्टी के लिए रखती है, लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शाहरुख खान के लिए निर्जला व्रत रखती है। काजोल इस व्रत को रखने के दौरान बेहोश होने का नाटक करती है, उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो शादी करना चाहती है। व्रत की पूजा के बाद राज और सिमरन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। बागवान में करवा चौथ साल 2003 में आई बागवान का करवा चौथ रोमांटिक से कहीं ज्यादा दर्शकों को इमोशनल कर देता है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए सीक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग शहरों में व्रत रखते हैं। चांद निकलने पर हेमा अमिताभ को फोन कर अपना व्रत पूरा करती है। इस सीन में खुद अमिताभ भी हेमा के लिए व्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता। जब हेमा को पता चलता है कि अमिताभ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है। हम दिल दे चुके सनम में करवा चौथ 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौथ के व्रत को बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। अगर हम इस फिल्म में करवा चौथ के व्रत की बात करें तो संजय लीला भंसाली ने जिस खूबसूरती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी भूला नहीं जा सकता है। इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर ना चली जाए। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। ऐश्वर्या ये व्रत पति अजय देवगन के लिए रखती है लेकिन उनका दिल सलमान खान के पास होता है। कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ को बड़े ही भव्य अंदाज में फिल्माया गया था। इस सीन में तीन फिल्मी जोड़ियां व्रत रखती हैं। व्रत के साथ साथ बोले चूड़िया गाने में स्टार झूमते भी दिखते हैं। इश्क बिश्क में करवा चौथ 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिश्क में अमृता राव अपने प्यार शाहिद कपूर के खातिर करवा चौथ का व्रत रखती है। बिना शादी किए और किसी को बिना बताए अमृता यानी कि पायल अपने प्यार शाहिद यानी कि राजीव के लिए निर्जला व्रत करती है। सबकी नजरों से बचकर शाहिद उनका व्रत तोड़ने उनके कमरे में आते हैं। इस सीक्वेंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। अब हम बात करते हैं कि बागी 2 की कहानी क्या है। जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो। फिल्म बागी 2 का नायक कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी कुछ ऐसा ही करता है। रॉनी और नेहा यानी कि दिशा पटानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन नेहा के पिता रॉनी को पसंद नहीं करते। रॉनी और नेहा भागकर शादी करने जाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रॉनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से शादी हो जाती है। वहीं रॉनी आर्मी में कमांडो बन जाता है। 4 साल बाद नेहा रॉनी से अपनी किडनैप हुई बेटी के बारे में मदद मांगती है। रॉनी को नेहा के देवर सनी यानी कि प्रतीक बब्बर पर शक है, लेकिन नेहा का पति शेखर यानी कि दर्शन कुमार रॉनी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इस तरह चीजें काफी उलझ जाती है। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। अपने फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करोड़ कलम में एंट्री करके टाइगर साहब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का सीक्वल अनाउंस कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 अनाउंस हो गई है। बागी 2 तेलुगु फिल्म क्षणम की रिमेक है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन का दर्शकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबह सुबह का हाउसफुल शो दे रहा था। देश भर में 3,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी जमी, खासकर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वजह से स्क्रीन पर यह कपल खूब जमा। हालांकि दिशा और बेहतर कर सकती थी। वहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले ढेरों एक्शन सीन किए हैं जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी के रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टॉर्चर सीन में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको बांध कर रखता है लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को सफल नहीं बना पाए और आखिरी आधे घंटे में टाइगर के बेहतरीन एक्शन सीन्स के बावजूद कहानी के लेवल पर फिल्म पटरी से उतर जाती है। प्रतीक बब्बर ने विलन के रोल से बड़े पर्दे पर वापसी की है।
ये बात और है कि इस कहानी का असली रावण कोई और निकलता है। डीआईजी के रोल में मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं एसपी के रोल में रणदीप हुड्डा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोबरियाल ने भी अपने उस्मान लंगड़ा के रोल को बाखूबी निभाया। फिल्म की शूटिंग मनाली, थाईलैंड, गोवा और लद्दाख की खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस पर फिल्माए गए माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 पहले ही हिट हो चुका है। हालांकि आप हैरत अंगेज एक्शन सीन वाली फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर श्रॉफ आपको कतई निराश नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ के वन लाइनर डायलॉग, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, इस लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, इतना तोड़ूंगा ना कि अकड़ नजाकत में बदल जाएगी। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। कहो सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बर्बाद कर देता है। फर्ज कीजिए आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं, तो वो चाय की चुस्कियां लेते हुए किस बारे में बात करेंगे। जाहिर है उनके जिक्र में आमिर के बेटे आजाद और आराध्या का नाम जरूर आएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ऐसी काल्पनिक कहानी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमिताभ बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मगर ये सच है कि उन्होंने ये सारी बातें मजाक में कही है। अमिताभ के शो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरअसल ये है कि आमिर खान लंबे अरसे के बाद कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बनेगा। 5 सालों के बाद वो इस शो का फिर से हिस्सा बनेंगे। आमिर खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अमिताभ के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस तस्वीर के साथ यह बात भी शेयर की है कि उन्होंने इस शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ से कई सारे रिक्वेस्ट की और अमिताभ ने उन्हें पूरी भी की, लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने अपनी तरफ से अमिताभ को क्या करने को कहा। शो में आमिर खान ने अमिताभ की फिल्म नमक हलाल का एक संवाद दोहराया, तो वहीं अमिताभ बच्चन से आमिर ने धूम 3 का एक संवाद सुनाने को कहा। फिल्म का प्रसिद्ध संवाद बंदे हैं हम उसके संवाद अमिताभ ने अपने अंदाज में कहा। इसी शो के दौरान आमिर खान ने एक बात तय की, वो अमिताभ बच्चन के घर पर अपनी फिल्म ठग साहब की रिलीज से पहले जाने वाले हैं। इसकी वजह अजीबोगरीब है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म की रिलीज के पहले वो नर्वस रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि अमिताभ के घर चले जाएं ताकि वहां जाकर वो खुद को शांत रख पाएं और अमिताभ बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं। 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली बागी 2 ने काफी लोकप्रियता हासिल की। क्रिटिक्स से लेकर आम जनता को ये फिल्म बेहद पसंद आई। बागी 2 का भी खुमार लोगों के सिर से उतरा भी नहीं था कि फिल्म के मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का काम शुरू कर दिया है। मेकर्स के पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे वो बागी 3 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक टाइगर के साथ एक और फिट एक्टर की जरूरत इस फिल्म के लिए, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अक्षय की इस फिल्म में एंट्री हो जाए। फिल्म निर्माता इस फिल्म को बागी 2 से भी अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसी के चलते अक्षय कुमार का नाम सामने आ रहा है। बागी 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोषणा कर दी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ही बतौर लीड हीरो होंगे। बागी 2 ने 2 हफ्तों में ही 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट को मेकर्स बड़े लेबर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल अक्षय अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म गोल्ड है। बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन से अक्षय कुमार काफी इम्प्रेस थे। अक्षय ने सोशल मीडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली। अक्षय कुमार ने लिखा था, बॉलीवुड को टोनी जा मिल गया है, टोनी जाने माने मार्शल आर्ट एक्टर। टाइगर ने अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, आपकी तारीफ बहुत मायने रखती है, लेकिन हमारे पहले एक्शन हीरो आप हैं। हम जैसे लोगों को ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद। ऐसे में बागी 3 में इन दोनों एक्शन हीरो की जोड़ी देखने लायक होगी। अक्षय के अलावा ऋतिक भी बागी 3 का हिस्सा बन सकते। फिल्म के मेकर्स 2 स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट में जहां टाइगर और अक्षय एक साथ आ सकते हैं, वहीं दूसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक सिर्फ ऋतिक रोशन ही इसके तीसरे पार्ट के हिस्सा होंगे। टाइगर श्रॉफ ऋतिक को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर और ऋतिक जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में साथ काम करेंगे। इसमें वाणी कपूर भी प्रमुख भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी। ये फिल्म अगले साल गांधी जयंती पर रिलीज होगी। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त। टाइगर साल 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पार्ट 2 की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हुई है। इस फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी।
टाइगर की पिछली फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस के कई बड़े बड़े रिकॉर्ड को धूल चटा दिया है। पहली दोनों फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी टाइगर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग के बाद टाइगर जल्द ही बागी 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। अभी तक इस फिल्म की हीरोइन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन साजिद ने एक इवेंट के दौरान कहा था कि वो इन दिनों इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में है और जल्द ही वो इस फिल्म की हीरोइन के नाम की घोषणा करेंगे। अगर बागी 3 में अक्षय कुमार होते हैं तो बागी 3 को अपार सफलता मिल सकती है और फिल्म के निर्माता इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बनाना चाहते हैं। वैसे भी हमारे बॉलीवुड में वो सबसे ज्यादा फिट सुपरस्टार है। अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, मोहरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषता वह खिलाड़ी श्रृंखला के लिए जाने जाते थे। 1995 में अपनी सफल फिल्मों के साथ वे खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया, जो एक हिट थी। वे खिलाड़ी श्रेणी के सभी फिल्मों में सफल रहे और फिर बाद के वर्ष में खिलाड़ी टाइटल के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। ये फिल्म उस साल की सर्वाधिक सफल फिल्म रही। अगर बागी 3 के लिए ऋतिक रोशन को कास्ट किया जाता है तो वो किस प्रकार के हीरो हैं? ऋतिक रोशन बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पहले फिल्म में ही बता दिया कि उनकी क्या पोटेंशियल है, वो कितने लंबे रेस के घोड़े हैं। और आज इतने साल के बाद जब उनके करियर को देख कर सही मायने में कहा जाएगा कि वो एक स्टार के तौर पर कम्प्लीट पैक है और आज इतने साल के बाद जब उनके करियर को देखकर सही मायने में कहा जाएगा कि वो एक स्टार के तौर पर कंप्लीट पैक है। ऋतिक रोशन का डेब्यू भी अपने आप में कम अजूबा नहीं था। सालों बाद किसी एक्टर ने इतना तूफानी अंदाज में डेब्यू किया था कि बाकी स्टार्स उसी तूफान में उड़ गए थे और ऋतिक रोशन पूरे देश के फेवरेट बन गए थे। ऋतिक का डांस उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो बाकियों से उन्हें अलग बनाता है। एक्ट्रेसेस में जो स्थान बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित का है, वही स्थान टैलेंट के मामले में ऋतिक रोशन का कहना गलत नहीं होगा। ऋतिक में भी माधुरी दीक्षित की तरह इतनी सारी खूबियां हैं जो एक एक्टर में होना नामुमकिन है। ऋतिक के लुक को हॉलीवुड के लेवल का माना जाता है, उन्हें ग्रीक गॉड भी कहा जाता है। ऋतिक रोशन का इंटरनेशनल स्टाइल और लुक भी कुछ ऐसा है कि वो वर्ल्ड वाइड अपने लुक की वजह से चर्चा में रहते हैं। ऋतिक रोशन अपने 16 साल के करियर में 25 से भी कम फिल्में किए हैं, लेकिन अपनी हर फिल्म में वो पिछली फिल्मों से काफी अलग होते हैं। वो फिल्म भी काफी सोच समझ कर चुनते हैं, चाहे कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, लक्ष्य, धूम 2, जोधा अकबर या आप काबिल को ही देख लीजिए। ऋतिक रोशन स्टाइल में भी हर किसी से काफी आगे नजर आते हैं। उन्हें एक बार नहीं कई बार बॉलीवुड बेस्ट स्टाइल आइकन का अवार्ड भी मिल चुका है। ऋतिक रोशन ने खुद को कभी किसी एक इमेज से बांध कर नहीं रखा, जो कर पाना किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल होता। शाहरुख खान खुद को रोमांटिक, सलमान खान दबंग पर्सनालिटी या आमिर खान सीरियस इमेज से खुद को दूर नहीं कर पाए, लेकिन ऋतिक रोशन ऐसा करने में कामयाब रहे। कोई मिल गया के बाद ऋतिक रोशन के किड्स फैन रातों रात बढ़ गए। बच्चे ऋतिक के जितने फैन हैं, आज भी कोई मिल गया के आने के इतने सालों बाद हैं, वो किसी स्टार का सपना ही हो सकता है। कोई मिल गया के बाद ऋतिक रोशन बच्चों के सुपर स्टार बन गए। बॉलीवुड में फिल्मों की शुरुआत करने वाले दादा साहब का आज 148वां जन्मदिन और इसकी पूर्व संध्या को आयोजित अवार्ड समारोह में अक्षय कुमार को श्रेष्ठ अभिनेता और सोनम कपूर व भूमि पेडनेकर को श्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन हर साल इस पुरस्कार का आयोजन करता है। अवार्ड जूरी ने अक्षय कुमार को फिल्म पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा में उनके किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया, तो भूमि पेडनेकर को इसी फिल्म में उनके अभिनय के लिए और सोनम कपूर को पैडमैन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। सोनू के टीटू की स्वीटी बेस्ट फिल्म चुनी गई। मनीषा कोइराला मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेस चुनी गई, तो राकेश रोशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल को सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी बल्कि बॉलीवुड को पहली हिंदी फिल्म भी दी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 19 साल के फिल्मी सफर में दादा साहब फाल्के ने 121 फिल्में बनाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में आज उनके नाम से मशहूर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। अगर मीडिया खबरों की बात माने तो बागी 3 के फिल्म मेकर्स ऋतिक रोशन को लेना चाहते हैं, क्योंकि निर्माता के पास ऋतिक के लिहाज से भी एक स्क्रिप्ट थी जिसमें केवल वही फिट आ सकते थे और दूसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक अक्षय और टाइगर। हालांकि जब इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा होगी उस वक्त इसका पता चल जाएगा। साजिद का अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। वैसे अक्षय इस फिल्म के लिए हामी भरेंगे तो टाइगर और उनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बागी 3 में टाइगर के साथ अक्षय को देखना चाहते हैं या ऋतिक रोशन को। वो तो कौन सी चीज है जो हर नए फिल्म मेकर को आज और अभी खरीदनी चाहिए? यूट्यूब के आने के बाद बहुत सारे लोग मूवी बनाने में जुट चुके हैं।
जिनमें शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले 4 सालों में YouTube और Netflix जैसी साइट्स की वजह से इंडिया में शॉर्ट फिल्म बनाने वालों की एक बाढ़ सी आ गई है। DJI Mavic Pro उन सब फिल्म मेकर्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। किसी भी फिल्म को प्रोफेशनल लुक देने के लिए ओपनिंग शॉट, स्टेबलिस्टिक शॉट और मोशन शॉट बहुत जरूरी होते हैं। DJI Mavic Pro एक फिल्म मेकर को वो सब प्रोवाइड करता है। यह एक ड्रोन कैमरा जिसमें 4K क्वालिटी एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड में कैप्चर करने की क्षमता है। इसके अलावा इसकी बैटरी लाइफ 30 मिनट की है और चार्ज कम होने पर भी इसकी इंटेलिजेंट बैटरी ड्रोन को अपने आप नीचे ले आती है। हवा के अगेंस्ट इसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है, पर फिर भी इसे कैरी करना बहुत आसान है। तो दोस्तों 2016 में एक फिल्म आई थी, नाम था बागी। फिल्म में लीड रोल में थे टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई थी। इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी 2। और बागी 2 भी 2018 में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म को दर्शकों से बहुत प्यार मिला। फिल्म में लीड रोल में थे टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, दर्शन कुमार, दीपक डोबरियाल और प्रतीक बब्बर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 की रिलीज से पहले ही साजिद नागरवाला ने बागी 3 की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें, अहमद खान फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में की जाएगी। सूत्रों की माने तो अहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हथियारों के साथ ट्रेनिंग ले। फिल्म के लिए रिसर्च करने के दौरान अहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उम्दा ट्रेनिंग कैंप्स है, लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जैसे कि M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर्स। साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि अगले महीने उनकी फिल्म बागी 3 के एक्ट्रेस की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, साथ ही कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पटानी को ही साइन किया जाएगा, लेकिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोरी नई होगी या फिर उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फिल्म के बजट का कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट होगा लगभग 150 से 200 करोड़ का। अभी टाइगर श्रॉफ बिजी है इन दिनों सॉटी 2 की शूटिंग में, मतलब कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, जिसमें लीड रोल में है अनन्या पांडे, तारा और टाइगर श्रॉफ। फिल्म के काफी हिस्से शूट हो चुके हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म रिलीज होगी 23 नवंबर को। अब देखना ये होगा कि कितना धमाका कर पाती है टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। क्या वो बागी 2 को टक्कर दे पाएगी या नहीं। बागी 2 की धमाकेदार सफलता के बाद अब मेकर्स बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बागी 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोषणा कर दी थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी बतौर लीड हीरो होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी 3 में टाइगर के अलावा एक और बड़ा एक्टर भी होगा। बागी 2 ने 2 हफ्तों में ही 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। मीडिया खबरों की बात माने तो बागी 3 में टाइगर के साथ अक्षय कुमार बतौर दूसरे हीरो हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स के पास ऐसे स्क्रिप्ट है जिसे वो बागी 3 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार टाइगर श्रॉफ के साथ एक और फिट एक्टर की दरकार है। फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट को मेकर्स हॉलीवुड लेबर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल अक्षय अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी अगली फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है गोल्ड। बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन से अक्षय कुमार काफी इम्प्रेस। अक्षय ने सोशल मीडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली थी। अक्षय कुमार ने लिखा था, बॉलीवुड को टोनी जा मिल गया है। टोनी जा जाने माने मार्शल आर्ट एक्टर हैं। टाइगर ने अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, आपकी तारीफ बहुत मायने रखती है, लेकिन हमारे पहले एक्शन हीरो आप, हम जैसे लोगों को ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद। ऐसे में बागी 3 में इन दो एक्शन हीरो की जोड़ी देखने लायक होगी। ऐसी भी अफवाह आ रही है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी हो सकते हैं। फिल्म के मेकर्स 2 स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट में जहां टाइगर और अक्षय एक साथ आ सकते हैं, वहीं दूसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक
सिर्फ ऋतिक रोशन ही इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर और ऋतिक रोशन जल्द ही एक एक्शन फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। इसमें वाणी कपूर भी प्रमुख भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी। ये फिल्म अगले साल गांधी जयंती पर रिलीज होगी। बागी 2 को जो सफलता मिली है उससे डायरेक्टर अहमद खान बेहद उत्साहित, और अब उन्होंने बागी 3 ही नहीं बल्कि इसकी सफलता का ऐलान भी अभी से कर दिया है। शानदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर श्रॉफ के आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि युवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं। और ये भी कि एक्शन फिल्मों का यूथ अभी भी दीवाना है। वैसे बागी की सक्सेस से इसके डायरेक्टर अहमद खान भी बेहद उत्साहित हैं। हालांकि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा करेगी और अब वो बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, लोगों को बागी पसंद आई इसलिए बागी 2 बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये पहले फिल्म से बेहतर पब्लिक डिमांड पर अब बागी 3 बनाने जा रहा हूँ। वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर अहमद खान ने एक और कारण बताया है। आम धारणा है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म के मुकाबले बाकी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होते। लोगों में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है, लेकिन अहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है, किसने कहा लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है? गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट बने सभी पसंद किए गए। हेरा फेरी 2 पहले वाली से ज्यादा हिट रही। हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी की फिल्में भी हिट रही। तनु बेट्स मन्नो, रिटर्न्स, सिंघम, दबंग, हाउसफुल और धूम बेहिसाब फिल्में हैं जिन्होंने पहले पार्ट की तुलना में अच्छी कमाई की है। ये एक तरह का भ्रम है और कुछ नहीं। बागी 2 का एक गाना फिल्म से ज्यादा चर्चा में रहा, वजह थी माधुरी दीक्षित। ये गाना तेजाब में माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक गाने 1, 2, 3 का रिमेक था। गाने के रिमेक में जैकलीन की तुलना माधुरी से होना स्वाभाविक थी, जिसे लेकर जैकलीन को आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन फिल्म के निर्देशक अहमद खान अभिनेत्री के बचाव में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने कभी आलोचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। जैकलीन ने गाने के साथ पूरा न्याय किया, बात ही खत्म होती है। निर्देशक अहमद खान का कहना है कि हमें पहले से पता था कि इस गाने के रिलीज होने पर माधुरी दीक्षित से इसकी तुलना होगी। समस्या यही है कि हम इंडियंस हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि रिमेक कभी ओरिजिनल नहीं हो सकता, तभी ये रिमेक है। तेजाब में माधुरी दीक्षित के 1, 2, 3 गाने को कोरियोग्राफ कर चुकी सरोज खान के भी इस रिमेक से खुश नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहां से आ रही हैं। सरोज खान को ये गाना बहुत पसंद आया है, उन्हें गाने में जैकलीन का डांस अच्छा लगा, इसके आगे क्या कहूँ। वैसे फिल्म की सफलता को लेकर अश्वस्त अहमद खान टाइगर श्रॉफ सरीखी नई पीढ़ी के कलाकारों से खासे प्रभावित हैं। वो कहते हैं, एक समय था जब इंडस्ट्री बच्चन और खान तिगड़ी तक सीमित थी, लेकिन अब एक से एक बढ़कर एक प्रतिभाशाली लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। डांस, एक्शन, कॉमेडी, इन तीनों विधाओं में हमारे पास एंगस्टर्स की पूरी फौज है। शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कितने ही बेहतरीन कलाकार जो हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऋतिक रोशन ने भी टाइगर श्रॉफ की बड़ाई की है। टाइगर, तुमने कमाल कर दिया है, मैं बॉलीवुड के एक्शन हीरो के साथ काम करने के लिए बेकरार हूँ। तारीफ करना तो लाजमी बनता ही, क्योंकि ऋतिक रोशन को टाइगर श्रॉफ अपना गुरु मानते हैं। वरुण धवन ने भी टाइगर श्रॉफ की बहुत तारीफ की है। वैसे आजकल टाइगर श्रॉफ एक और चीज के लिए सुर्खियों में है। बॉलीवुड के कई स्टार इन दिनों अपना पेरेंट्स होम छोड़कर खुद के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। बीते साल रणवीर कपूर भी कृष्णा राज छोड़कर अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए थे। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। टाइगर श्रॉफ ने 31.5 करोड़ रुपए का मुंबई के खार बेस्ट इलाके में रुस्तम जी पैरामाउंट में 3 फ्लैट बुक किए हैं। इनमें से एक 9वीं मंजिल पर है जो 1500 वर्ग फीट में है, बाकी 2 फ्लैट 21वीं मंजिल पर है, जिनमें से एक 1900 वर्ग फीट पर है और दूसरा 2100 वर्ग फीट में। टाइगर श्रॉफ ने 19वीं मंजिल पर बने फ्लैट के लिए करीब 7.61 करोड़ रुपए खर्च किए। 21वीं मंजिल पर 22.33 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी पर भी उन्होंने 1.55 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर टाइगर ने 31.05 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। टाइगर श्रॉफ अपनी इमेज एक अच्छे एक्शन स्टार की बना रहे हैं। युवा दर्शक व एक्शन के दीवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं। टाइगर को अपनी इमेज और बागी 2 के एक्शन बेस्ड फिल्म होने का ये परिणाम मिला कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ने में सफल रही। वैसे बागी 2 को वर्ल्ड वाइड 4125 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। भारत में बागी 2 को 3500 ओवरसीज में 625 स्क्रीन्स मिले। 75 करोड़ में बनी बागी 2 को 45 देशों में रिलीज किया गया था। वैसे प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ टाइगर श्रॉफ की ये तीसरी फिल्म है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म हीरोपंथी के साथ ही एहसास दिला दिया था कि डांस और एक्शन उनकी ताकत रहेंगे और बागी 2 को
देखने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ था। टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखा था, इसी वजह से बागी 2 को साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी कहा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंत तक का इंतजार रहेगा, लेकिन एक्शन जोरदार था। बागी 2 फिल्म में टाइगर श्रॉफ जब भी स्क्रीन पर दिखे आप उनकी फिजिक की तारीफ भी करेंगे। शायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वजह ये भी थी, यंग क्राउड इस कारण से इस फिल्म को देखने ज्यादा थिएटर में गई। फिल्म एक और वजह से आकर्षित करती है, वो है वन लाइनर्स डायलॉग। टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म से ये उनका USP रहा है कि वो अपनी फिल्मों में वन लाइनर डायलॉग जरूर बोलते हैं। जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। यही वजह है कि यंगस्टर को कुछ अच्छी लाइंस आम जिंदगी में सुनने को मिल जाती। वहीं सोशल मीडिया पर दिशा पटानी का भी क्रेज था, वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वजह। स्क्रीन पर दिशा पटानी ने भी ठीक ठाक अभिनय किया। टाइगर और दिशा के रियल केमिस्ट्री भी अच्छी है और दिशा खुद इस बात को मान चुकी है कि टाइगर के साथ दोस्ती की वजह से उनसे रोमांस करना आसान था। हालांकि एक एक्शन फिल्म में हीरोइन को जितनी जगह मिलती है दिशा को भी उतने में ही बांध दिया गया है। बागी 2 को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है। एक और रणधीर हुड्डा, मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार बागी 2 में नजर आते हैं। वहीं प्रतीक बब्बर का बतौर विलेन इस फिल्म के साथ कमबैक हो रहा था। थिएटर से बाहर आने के बाद सिर्फ मनोज बाजपेयी का नाम लोगों की जुबान पर रहता था, या तो फिर टाइगर श्रॉफ या फिर उनके द्वारा बोले गए वन लाइनर्स डायलॉग। बागी 3 की तुलना हॉलीवुड फिल्मों से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी बॉलीवुड में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। यदि बॉलीवुड की फिल्मों को देखें तो यहाँ के निर्देशक अपनी फिल्मों में एक्शन सीन डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर लिए जा रहे हैं। अब बॉलीवुड हॉलीवुड की तर्ज पर फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। बाहुबली ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हमारे देश की फिल्में अब हॉलीवुड की फिल्मों से पीछे नहीं है। रजनीकांत की 2.0 इस बात की गवाह। इसमें हॉलीवुड के टेक्नीशियन बहुत सारे रखे गए हैं और प्रभास की फिल्म सहो के लिए भी बाहर से टेक्नीशियन को हायर किया गया है। इस बार बागी 3 की कहानी में ऐसा बदलाव किया गया है कि फिल्म की आधी से ज्यादा फिल्म की शूटिंग विदेशों में होगी। इस फिल्म के लोकेशंस अभी फाइनल नहीं किए गए हैं। टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म को गांधी जयंती पर इसलिए रिलीज करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि गांधी जयंती के कुछ सिद्धांतों को इस फिल्म में जगह दी गई है और फिल्म एक शांति का संदेश देती हुई नजर आती है। टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार हो सकते हैं क्योंकि ऋतिक रोशन ने तो एक फिल्म टाइगर श्रॉफ के साथ साइन कर ली है। इस फिल्म की तुलना बाहुबली से की जा रही है क्योंकि बाहुबली की तरह इसको भव्य बनाया जा रहा है। अभी से इस फिल्म को 500 करोड़ फिल्म माना जा रहा है। तो दोस्तों 2016 में एक फिल्म आई थी, नाम था बागी। फिल्म में लीड रोल में थे टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई थी। इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी 2। और बागी 2 भी 2018 में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म को दर्शकों से बहुत प्यार मिला। फिल्म में लीड रोल में थे टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, दर्शन कुमार, दीपक डोबरियाल और प्रतीक बब्बर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 की रिलीज से पहले ही साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें, अहमद खान फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में की जाएगी। सूत्रों की माने तो अहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हथियारों के साथ ट्रेनिंग ले। फिल्म के लिए रिसर्च करने के दौरान अहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उम्दा ट्रेनिंग कैंप्स है, लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जैसे कि M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर्स। साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि अगले महीने उनकी फिल्म बागी 3 के एक्ट्रेस की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, साथ ही कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पटानी को ही साइन किया जाएगा, लेकिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोरी नई होगी या फिर उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फिल्म के बजट का कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट होगा लगभग 150 से 200 करोड़ का। अभी टाइगर श्रॉफ बिजी है इन दिनों सॉटी 2 की शूटिंग में, मतलब कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, जिसमें लीड रोल में है अनन्या पांडे, तारा और टाइगर श्रॉफ। फिल्म के काफी हिस्से शूट हो चुके हैं।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म रिलीज होगी 23 नवंबर को। अब देखना ये होगा कि कितना धमाका कर पाती है टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। क्या वो बागी 2 को टक्कर दे पाएगी या नहीं। हमारे टाइगर श्रॉफ, क्या बात है उनमें कि अब उनकी तुलना सलमान खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन से करी जा रही है। कुछ तो बात होगी ना, तो आइए अब हम उस कुछ बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि टाइगर श्रॉफ इस टाइम एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपने अराउंड जितने भी एक्टर्स हैं उन्हीं के जैसे, उन्होंने उनको बहुत जल्दी बहुत कम समय में पिछाड़ दिया है, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स में उन्होंने बहुत काम किया है और उनका डांस बहुत अच्छा है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रखी है, जिसके कारण उनको अपने एक्शन सीन्स करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, कुछ फिल्म्स तो ऐसी है जो टाइगर श्रॉफ के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ड्यू टू एक्शन सीन्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जो अब कंपेयर कर सकते हैं टाइगर श्रॉफ को सलमान खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन से। दोस्तों, पहले टाइगर श्रॉफ में वो बात नहीं थी। जब हमने उनकी पहली मूवी हीरो बनती देखी थी तो हमें लगा था शायद यार ये अपने पिताजी जैकी श्रॉफ की तरह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब साजिद नाडियाडवाला ने उनको बागी के लिए अप्रोच किया, उनको लगा कि हाँ शायद कुछ बात है इसमें जो शायद बागी को एक ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकती है। तो शायद साजिद नाडियाडवाला की वो बात सच निकली, क्योंकि बागी में टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा कपूर के साथ एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई थी और अपने एक्शन सीन्स, अपने डांस की वजह से बागी को बहुत ऊंचा नाम दिलाया है। इसीलिए बाद 2018 में आई बागी 2। जी हाँ दोस्तों, बागी 2 में भी टाइगर श्रॉफ थे दिशा पट्टानी के साथ। इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी, दोनों ने मूवी में बहुत अच्छा काम किया था और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसमें टाइगर श्रॉफ ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया था जो कि एक बहुत अच्छा रोल था और शायद उनके अलावा वो रोल कोई और नहीं निभा सकता था, क्योंकि बहुत अच्छे एक्शन सीन्स थे जिससे लोग पागल हो गए थे टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए और लड़कियां तो बस दीवानी हो गई थी टाइगर श्रॉफ के लिए। तो दोस्तों, अभी बात चल रही है साजिद नाडियाडवाला कि वो अपनी फिल्म बागी का सीक्वल बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बागी 3 पर जल्द काम शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी हाल ही में हमारी केदारनाथ से आई एक्ट्रेस सारा अली खान को अप्रोच किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जानवी कपूर के बाद सारा अली खान बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि उनकी फिल्म केदारनाथ ने बहुत वाहवाही बटोरी है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों आपकी पहली मूवी की इतना ज्यादा नाम कमा ले। तो जब साजिद नाडियाडवाला ने उनको बागी 3 के लिए अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि अभी मैं अपनी फिल्म सिम्बा पर फोकस करना चाहती हूँ, इसके बाद ही मैं आगे किसी और प्रोजेक्ट को हाथ लगाऊंगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि सारा अली खान ने बागी 3 के लिए हामी नहीं भरी है, पर मुझे लगता है कि वो हाँ मान जाएगी बागी 3 में काम करने के लिए। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप टाइगर श्रॉफ के साथ कौन सी एक्ट्रेस को देखना चाहते हो, क्या पिछली श्रद्धा कपूर या फिर 2018 वाली दिशा पटानी या फिर हमारी आंख मारती हुई सारा अली खान। बागी 2 की धमाकेदार सफलता के बाद अब मेकर्स बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बागी 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोषणा कर दी थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी बतौर लीड हीरो होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी 3 में टाइगर के अलावा एक और बड़ा एक्टर भी होगा। बागी 2 ने 2 हफ्तों में ही 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। मीडिया खबरों की बात माने तो बागी 3 में टाइगर के साथ अक्षय कुमार बतौर दूसरे हीरो हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स के पास ऐसे स्क्रिप्ट है जिसे वो बागी 3 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार टाइगर श्रॉफ के साथ एक और फिट एक्टर की दरकार है। फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट को मेकर्स हॉलीवुड लेबर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल अक्षय अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी अगली फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है गोल्ड। बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन से अक्षय कुमार काफी इम्प्रेस। अक्षय ने सोशल मीडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली थी। अक्षय कुमार ने लिखा था
बॉलीवुड को टोनी जा मिल गया है। टोनी जा जाने माने मार्शल आर्ट एक्टर हैं। टाइगर ने अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, आपकी तारीफ बहुत मायने रखती है, लेकिन हमारे पहले एक्शन हीरो आप, हम जैसे लोगों को ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद। ऐसे में बागी 3 में इन दो एक्शन हीरो की जोड़ी देखने लायक होगी। ऐसे भी अफवाह आ रही है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी हो सकते हैं। फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट में जहां टाइगर और अक्षय एक साथ आ सकते हैं, वहीं दूसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक सिर्फ ऋतिक रोशन ही इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर और ऋतिक रोशन जल्द ही एक एक्शन फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। इसमें वाणी कपूर भी प्रमुख भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी। ये फिल्म अगले साल गांधी जयंती पर रिलीज होगी। बागी 2 को जो सफलता मिली है उससे डायरेक्टर अहमद खान बेहद उत्साहित, और अब उन्होंने बागी 3 ही नहीं बल्कि इसकी सफलता का ऐलान भी अभी से कर दिया है। शानदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर श्रॉफ के आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि युवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते, और ये भी कि एक्शन फिल्मों का यूथ अभी भी दीवाना है। वैसे बागी की सक्सेस से इसके डायरेक्टर अहमद खान भी बेहद उत्साहित हैं। हालांकि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा करेगी, और अब वो बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, लोगों को बागी पसंद आई इसलिए बागी 2 बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये पहली फिल्म से बेहतर, पब्लिक डिमांड पर अब बागी 3 बनाने जा रहा हूँ। वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर अहमद खान ने एक और कारण बताया है। आम धारणा है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म के मुकाबले बाकी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होते, लोगों में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है, लेकिन अहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है, किसने कहा लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है, गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट बने सभी पसंद किए गए। हेरा फेरी 2 पहले वाली से ज्यादा हिट रही। हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी की फिल्में भी हिट रही। तनु बेट्स मन्नू, रिटर्न्स, सिंघम, दबंग, हाउसफुल और धूम बेहिसाब फिल्में हैं जिन्होंने पहले पार्ट की तुलना में अच्छी कमाई की है। ये एक तरह का भ्रम है और कुछ नहीं। बागी 2 का एक गाना फिल्म से ज्यादा चर्चा में रहा, वजह थी माधुरी दीक्षित। ये गाना तेजाब में माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक गाने 1, 2, 3 का रिमेक था। गाने के रिमेक में जैकलीन की तुलना माधुरी से होना स्वाभाविक थी, जिसे लेकर जैकलीन को आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन फिल्म के निर्देशक अहमद खान अभिनेत्री के बचाव में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने कभी आलोचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, जैकलीन ने गाने के साथ पूरा न्याय किया है, बात ही खत्म होती। निर्देशक अहमद खान का कहना है कि हमें पहले से पता था कि इस गाने के रिलीज होने पर माधुरी दीक्षित से इसकी तुलना होगी। समस्या यही है कि हम इंडियंस हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि रिमेक कभी ओरिजिनल नहीं हो सकता, तभी ये रिमेक है। तेजाब में माधुरी दीक्षित के 1, 2, 3 गाने को कोरियोग्राफ कर चुकी सरोज खान के भी इस रिमेक से खुश नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहां से आ रही हैं। सरोज खान को ये गाना बहुत पसंद आया है, उन्हें गाने में जैकलीन का डांस अच्छा लगा, इसके आगे क्या कहूं। वैसे फिल्म की सफलता को लेकर अस्वस्थ अहमद खान टाइगर श्रॉफ सरीखी नई पीढ़ी के कलाकारों से खासे प्रभावित हैं। वो कहते हैं, एक समय था जब इंडस्ट्री बच्चन और खान तिगड़ी तक सीमित थी, लेकिन अब एक से एक बढ़कर एक प्रतिभाशाली लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। डांस, एक्शन, कॉमेडी, इन तीनों विधाओं में हमारे पास एंगस्टर्स की पूरी फौज है। शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कितने ही बेहतरीन कलाकार हैं जो हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऋतिक रोशन ने भी टाइगर श्रॉफ की बड़ाई की है, टाइगर तुमने कमाल कर दिया है, मैं बॉलीवुड के एक्शन हीरो के साथ काम करने के लिए बेकरार हूँ। तारीफ करना तो लाजमी बनता ही, क्योंकि ऋतिक रोशन को टाइगर श्रॉफ अपना गुरु मानते हैं। वरुण धवन ने भी टाइगर श्रॉफ की बहुत तारीफ की है। वैसे आजकल टाइगर श्रॉफ एक और चीज के लिए सुर्खियों में है। बॉलीवुड के कई स्टार इन दिनों अपना पेरेंट्स होम छोड़कर खुद के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। बीते साल रणवीर कपूर भी कृष्णा राज छोड़कर अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए थे। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। टाइगर श्रॉफ ने 31.5 करोड़ रुपए का मुंबई के खार बेस्ट इलाके में रुस्तम जी पैरामाउंट में 3 फ्लैट बुक किए हैं। इनमें से एक 9वीं मंजिल पर है जो 1500 वर्ग फीट में है, बाकी 2 फ्लैट 2100 मंजिल पर है, जिनमें से एक 1900 वर्ग फीट पर है और दूसरा 2100 वर्ग फीट में। टाइगर श्रॉफ ने 19वीं मंजिल पर बने फ्लैट के लिए करीब 7.61 करोड़ रुपए खर्च किए, 21वीं मंजिल पर 22.33 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी पर भी उन्होंने 1.55 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर टाइगर ने 31.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है।
टाइगर श्रॉफ अपनी इमेज एक अच्छे एक्शन स्टार की बना रहे हैं। युवा दर्शक व एक्शन के दीवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं। टाइगर को अपनी इमेज और बागी 2 के एक्शन बेस्ड फिल्म होने का ये परिणाम मिला कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ने में सफल रही। वैसे बागी 2 को वर्ल्ड वाइड 4125 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। भारत में बागी 2 को 3500 ओवरसीज में 625 स्क्रीन मिले। 75 करोड़ में बनी बागी 2 को 45 देशों में रिलीज किया गया था। वैसे प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ टाइगर श्रॉफ की ये तीसरी फिल्म है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म हीरोपंथी के साथ ही एहसास दिला दिया था कि डांस और एक्शन उनकी ताकत रहेंगे और बागी 2 को देखने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ था। टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखा था, इसी वजह से बागी 2 को साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी कहा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंत तक का इंतजार रहेगा, लेकिन एक्शन जोरदार था। बागी 2 फिल्म में टाइगर श्रॉफ जब भी स्क्रीन पर दिखे आप उनकी फिजिक की तारीफ भी करेंगे। शायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वजह ये भी थी, यंग क्राउड इस कारण से इस फिल्म को देखने ज्यादा थिएटर में गई। फिल्म एक और वजह से आकर्षित करती है, वो है वन लाइनर्स डायलॉग। टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म से ये उनका USP रहा है कि वो अपनी फिल्मों में वन लाइनर डायलॉग जरूर बोलते हैं। जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। यही वजह है कि यंगस्टर को कुछ अच्छी लाइंस आम जिंदगी में सुनने को मिल जाती। वहीं सोशल मीडिया पर दिशा पटानी का भी क्रेज था, वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वजह। स्क्रीन पर दिशा पटानी ने भी ठीक ठाक अभिनय किया। टाइगर और दिशा के रियल केमिस्ट्री भी अच्छी है और दिशा खुद इस बात को मान चुकी है कि टाइगर के साथ दोस्ती की वजह से उनसे रोमांस करना आसान था। हालांकि एक एक्शन फिल्म में हीरोइन को जितनी जगह मिलती है दिशा को भी उतने में ही बांध दिया गया है। बागी 2 को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है। एक और रणधीर हुड्डा, मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार बागी 2 में नजर आते हैं। वहीं प्रतीक बब्बर का बतौर विलेन इस फिल्म के साथ कमबैक हो रहा था। थिएटर से बाहर आने के बाद सिर्फ मनोज बाजपेयी का नाम लोगों की जुबान पर रहता था, या तो फिर टाइगर श्रॉफ या फिर उनके द्वारा बोले गए वन लाइनर्स डायलॉग। बागी 3 की तुलना हॉलीवुड फिल्मों से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी बॉलीवुड में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। यदि बॉलीवुड की फिल्मों को देखें तो यहाँ के निर्देशक अपनी फिल्मों में एक्शन सीन डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर लिए जा रहे हैं। अब बॉलीवुड हॉलीवुड की तर्ज पर फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। बाहुबली ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हमारे देश की फिल्में अब हॉलीवुड की फिल्मों से पीछे नहीं है। रजनीकांत की 2.0 इस बात की गवाह। इसमें हॉलीवुड के टेक्नीशियन बहुत सारे रखे गए और प्रभास की फिल्म सहो के लिए भी बाहर से टेक्नीशियन को हायर किया गया है। इस बार बागी 3 की कहानी में ऐसा बदलाव किया गया है कि फिल्म के आधी से ज्यादा फिल्म की शूटिंग विदेशों में होगी। इस फिल्म के लोकेशंस अभी फाइनल नहीं किए गए हैं। टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म को गांधी जयंती पर इसलिए रिलीज करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि गांधी जयंती के कुछ सिद्धांतों को इस फिल्म में जगह दी गई है और फिल्म एक शांति का संदेश देती हुई नजर आती है। टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार हो सकते हैं क्योंकि ऋतिक रोशन ने तो एक फिल्म टाइगर श्रॉफ के साथ साइन कर ली है। इस फिल्म की तुलना बाहुबली से की जा रही है क्योंकि बाहुबली की तरह इसको भव्य बनाया जा रहा है। अभी से इस फिल्म को 500 करोड़ फिल्म माना जा रहा है। के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपने हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया। टाइगर श्रॉफ इन दिनों बागी 3 के लिए एक्शन में हाथ साफ कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में 5 साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। युवा सितारों में ऐसा बिरला ही कोई स्टार होगा जो उन्हें एक्शन में टक्कर दे सके। टाइगर श्रॉफ ने भले ही बागी 3 के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभी भी फिल्म की अभिनेत्री की भूमिका के लिए एक नए चेहरे की तलाश में। पिछले 2 पार्ट में श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी। टाइगर श्रॉफ अपनी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदेशों से स्टंट विशेषज्ञों सहित विशेष रिहर्सल सेशन करने की योजना है। बागी 2 इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है, इसलिए तीसरे भाग से प्रशंसकों की उम्मीद दुगना बढ़ जाती है। बागी 3 के प्रशिक्षण में M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का उपयोग सीखना शामिल है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्शन और ड्रामे की भरमार होगी, साथ ही टाइगर विभिन्न अवतार में नजर आएंगे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला को फिल्म के लिए जानी मानी अभिनेत्रियों द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि निर्माताओं ने ये अभी तय नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चयन करेंगे
या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगा। देश भर में करवा चौथ के त्योहार को जोर शोर से मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद खास है। कार्तिक माह के कृष्ण पंच की चतुर्थी को शुभ मुहूर्त पर करवा चौथ मनाया जाता है, जो इस बार 27 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति में से देखने के बाद जल ग्रहण करती हैं। वैसे बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया है। करवा चौथ के मौके पर कुछ ऐसे गानों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलीवुड की एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। फिल्म में दिखाया जाता है कि काजोल ये व्रत अपने होने वाले पति परमीश सेट्टी के लिए रखती है, लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शाहरुख खान के लिए निर्जला व्रत रखती है। काजोल इस व्रत को रखने के दौरान बेहोश होने का नाटक करती है, उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो शादी करना चाहती है। व्रत की पूजा के बाद राज और सिमरन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। बागवान में करवा चौथ साल 2003 में आई बागवान का करवा चौथ रोमांटिक से कहीं ज्यादा दर्शकों को इमोशनल कर देता है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए सीक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग शहरों में व्रत रखते हैं। निकलने पर हेमा अमिताभ को फोन कर अपना व्रत पूरा करती है। इस सीन में खुद अमिताभ भी हेमा के लिए व्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता। जब हेमा को पता चलता है कि अमिताभ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है। हम दिल दे चुके सनम में करवा चौथ 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौथ के व्रत को बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। अगर हम इस फिल्म में करवा चौथ के व्रत की बात करें तो संजय लीला भंसाली ने जिस खूबसूरती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी भूला नहीं जा सकता है। इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर ना चली जाए। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। ऐश्वर्या ये व्रत पति अजय देवगन के लिए रखती है लेकिन उनका दिल सलमान खान के पास होता है। कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ को बड़े ही भव्य अंदाज में फिल्माया गया था। इस सीन में तीन फिल्मी जोड़ियां व्रत रखती हैं। व्रत के साथ साथ बोले चूड़िया गाने में स्टार झूमते भी दिखते हैं। इश्क बिश्क में करवा चौथ 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिश्क में अमृता राव अपने प्यार शाहिद कपूर के खातिर करवा चौथ का व्रत रखती है। बिना शादी किए और किसी को बिना बताए अमृता यानी कि पायल अपने प्यार शाहिद यानी कि राजीव के लिए निर्जला व्रत करती है। सबकी नजरों से बचकर शाहिद उनका व्रत तोड़ने उनके कमरे में आते हैं। इस सीक्वेंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। अब हम बात करते हैं कि बागी 2 की कहानी क्या है। जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो। फिल्म बागी 2 का नायक कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी कुछ ऐसा ही करता है। रॉनी और नेहा यानी कि दिशा पटानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन नेहा के पिता रॉनी को पसंद नहीं करते। रॉनी और नेहा भागकर शादी करने जाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रॉनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से शादी हो जाती है। वहीं रॉनी आर्मी में कमांडो बन जाता है। 4 साल बाद नेहा रॉनी से अपनी किडनैप हुई बेटी के बारे में मदद मांगती है। रॉनी को नेहा के देवर सनी यानी कि प्रतीक बब्बर पर शक है, लेकिन नेहा का पति शेखर यानी कि दर्शन कुमार रॉनी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इस तरह चीजें काफी उलझ जाती है। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। अपने फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करोड़ कलम में एंट्री करके टाइगर साहब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का सीक्वल अनाउंस कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 अनाउंस हो गई है। बागी 2 तेलुगु फिल्म क्षणम की रिमेक है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन का दर्शकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबह सुबह का हाउसफुल शो दे रहा था। देश भर में 3,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी जमी, खासकर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वजह से स्क्रीन पर यह कपल खूब जमा।
धारा की दिशा और बेहतर कर सकती थी। वहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले ढेरों एक्शन सीन किए हैं, जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी के रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टॉर्चर सीन में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको बांध कर रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को सफल नहीं बना पाए और आखिरी आधे घंटे में टाइगर के बेहतरीन एक्शन सीन्स के बावजूद कहानी के लेवल पर फिल्म पटरी से उतर जाती है। प्रतीक बब्बर ने विलन के रोल से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये बात और है कि इस कहानी का असली रावण कोई और निकलता है। डीआईजी के रोल में मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं एसपी के रोल में रणदीप हुड्डा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोबरियाल ने भी अपने उस्मान लंगड़ा के रोल को बाखूबी निभाया। फिल्म की शूटिंग मनाली, थाईलैंड, गोवा और लद्दाख की खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस पर फिल्माए गए माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 पहले ही हिट हो चुका है। हालांकि आप हैरत अंगेज एक्शन सीन वाली फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर श्रॉफ आपको कतई निराश नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ के वन लाइनर डायलॉग, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, इस लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, इतना तोड़ूंगा ना कि अकड़ नजाकत में बदल जाएगी। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बर्बाद कर देता है। फर्ज कीजिए आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं, तो वो चाय की चुस्कियां लेते हुए किस बारे में बात करेंगे। जाहिर है उनके जिक्र में आमिर के बेटे आजाद और आराध्या का नाम जरूर आएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ऐसी काल्पनिक कहानी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमिताभ बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मगर ये सच है कि उन्होंने ये सारी बातें मजाक में कही है अमिताभ के शो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में। इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरअसल ये है कि आमिर खान लंबे अरसे के बाद कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बने हैं। 5 सालों के बाद वो इस शो का फिर से हिस्सा बने हैं। आमिर खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अमिताभ के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस तस्वीर के साथ यह बात भी शेयर की है कि उन्होंने इस शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ से कई सारे रिक्वेस्ट की और अमिताभ ने उन्हें पूरी भी की, लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने अपनी तरफ से अमिताभ को क्या करने को कहा। शो में आमिर खान ने अमिताभ की फिल्म नमक हलाल का एक संवाद दोहराया, तो वहीं अमिताभ बच्चन से आमिर ने धूम 3 का एक संवाद सुनाने को कहा। फिल्म का प्रसिद्ध संवाद बंदे हैं हम, उसके संवाद अमिताभ ने अपने अंदाज में कहा। इसी शो के दौरान आमिर खान ने एक बात तय की कि वो अमिताभ बच्चन के घर पर अपनी फिल्म ठग साहब की रिलीज से पहले जाने वाले हैं। इसकी वजह अजीबोगरीब है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म की रिलीज के पहले वो नर्वस रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि अमिताभ के घर चले जाएं ताकि वहां जाकर वो खुद को शांत रख पाएं और अमिताभ बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं। हाल ही में ट्विटर पर बवा सिंह नामक अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर किया गया है जिसमें लिखा है कि मैं जो हूं, मैं बवा सिंह हूं जनाब, इस बात का आप बेहद लिहाज कीजिएगा और जो नहीं करेंगे उनसे मोहब्बत कर करके मैं उन्हें मार डालूंगा, तैयार हो जाओ ट्विटर वालों, आ गए हैं बवा सिंह। तो सुना अपने बवा को, अपने आगमन से पहले आगाह कर दिया है। फिल्म जीरो में शाहरुख खान बवा सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म जीरो के निर्देशक आनंद एल राय ने एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि जीरो के ट्रेलर को 2 नवंबर को रिलीज करने का प्लान है। उस दिन शाहरुख खान का जन्मदिन है। अब तक टीजर और ईद के मौके पर एक गाना रिलीज किया गया था जिसमें शाहरुख और सलमान की जुगलबंदी हुई थी। शाहरुख खान स्टारर और आनंद एल राय निर्देशित फिल्म जीरो इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। बागी 3 में कौन खलनायक होगा ये अभी तक राज है। कभी अक्षय कुमार का नाम आता है तो कभी विद्युत जामवंत का। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बागी 3 का विलन कौन होगा। नाडियाडवाला ने बागी 2 का ट्रेलर लॉन्च करने के दौरान बागी 3 की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, वास्तव में मैंने बागी 3 की घोषणा बागी 2 के ट्रेलर के समय पहले अपनी टीम के बीच की थी। मैं बागी 2 के रिलीज से पहले निर्देशक व पूरी टीम को आत्मविश्वास देना चाहता था। मुझे यकीन था कि दर्शक बागी 2 को पसंद करेंगे और हमारी तीसरी श्रृंखला बनाने में मदद करेंगे। इस तरह की खबरें थी कि बागी 3 में दिशा पटानी व टाइगर श्रॉफ फिर से नजर आएंगे। हालांकि जब नाडियाडवाला से बागी 3 के अभिनेत्री
चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बागी 3 की पटकथा पर अभी काम हो रहा है और महीने भर के भीतर हमें इसका पता चल जाएगा और तब हम इसकी घोषणा करेंगे। बागी 2 ने पहले ही वीकेंड पर 70 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। पहले दिन 25 करोड़ की शानदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर श्रॉफ के आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि युवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं और ये भी कि एक्शन फिल्मों का यूथ अभी भी दीवाना है। वैसे बागी की सक्सेस से इसके डायरेक्टर अहमद खान भी बेहद उत्साहित हैं। हालांकि वो ये बात पहले कह चुके थे कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी और अब वो बागी 3 की तैयारी भी कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, लोगों को बागी बेहद पसंद आई थी, इसीलिए बागी 2 बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म पहली फिल्म से बेहतर है। पब्लिक डिमांड पर ही अब मैं बागी 3 में लगने वाला हूँ। वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर अहमद ने एक और कारण बताया। आम धारणा है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के मुकाबले बाकी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होते। लोगों में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है, लेकिन अहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है, किसने कहा कि लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है? गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट्स बने सभी पसंद किए गए। हेरा फेरी 2 पहले वाली से ज्यादा हिट रही। हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी की फिल्में भी हिट रही हैं। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, सिंघम, दबंग, हाउसफुल और धूम बेमिसाल फिल्में हैं जिन्होंने पहले पार्ट्स की तुलना में अच्छी कमाई की है। पार्ट्स बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो हिट होते हैं। बागी हिट रही तभी हमने बागी 2 बनाई और अब बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। ये बस एक तरह का भ्रम है और कुछ नहीं। अगर बात करें बागी 3 के विलन की तो सुनने में आया है कि विद्युत जामवाल हो सकते हैं बागी 3 के विलन, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। दोनों को पहली बार फिल्म हीरो पंथी में साथ देखा गया था। कृति का कहना है कि उन्हें टाइगर पर गर्व है। साल 2014 में आई फिल्म हीरो पंथी के जरिए ही कृति और टाइगर ने साथ साथ फिल्म जगत में कदम रखा था। बागी 3 का हिस्सा बनने के बारे में पूछे जाने पर कृति ने कहा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे आपको ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर से टाइगर श्रॉफ के साथ एक बार काम करना चाहती हूँ। उनके साथ फिल्म किए काफी समय हो गया है। हीरोपंती 2 जैसी कोई फिल्म बननी चाहिए। कृति ने बागी 2 की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान टाइगर की प्रशंसा करते हुए कहा, हमने एक साथ एक फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। कहीं ना कहीं इस बात की एक खास अहमियत है। मुझे टाइगर पर गर्व है क्योंकि वो हर फिल्म के साथ एक नए लेवल को छू रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है कमेंट सेक्शन की। जो हमने हाउसफुल 4 की वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। रोमन मलिक पूछते हैं, भाई मुझे गजनी 2 के बारे में जानना है। तो मलिक भाई, अभी आमिर खान ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कंप्लीट की है और इसके बाद वो महाभारत बनाएंगे जिसमें उन्हें लगभग 5 साल लगेंगे, इसीलिए अभी आमिर खान किसी और फिल्म के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। मैडी हसन पूछते हैं कि मार्वल और डीसी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स और मार्वल फिल्म इन्फिनिटी वॉर पर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और हमारे कलीग अंकित पांडे इस पर एक और वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। अंसर गड़बड़ा पूछते हैं कि ABCD 3 कब आएगी। तो दोस्त, अभी ABCD 3 की डेट फाइनल नहीं हुई है, सिर्फ इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। वेद प्रकाश, चाकी रिजवान, रहमान गौर, कृष्णा, मिकेश, मोहम्मद अजीजुल, योर एवरीडे लाइफ, इन सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप सब हमारी वीडियो जब भी देखते हैं और इस पर कमेंट्स करते हैं तो हमारी टीम को बहुत खुशी मिलती है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत में एक विशेष सूचना कि हमारा चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाएगा और कुछ लोग हैं जो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग ना करें क्योंकि हमारे वीडियोस को आपके पेरेंट्स के अलावा और लोगों के पेरेंट्स भी देखते हैं और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या जो आप ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सो गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। धमाकेदार जबरदस्त एक्शन फिल्म बागी 3 इस बड़ी फिल्म के साथ होगी क्लैश। हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान टाइगर श्रॉफ से बागी 3 की रिलीज डेट को लेकर सवाल किया गया तो टाइगर ने कहा, हम अभी 20 अप्रैल की सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। बता दें, बागी 3 पर काम शुरू हो चुका है। वहीं खास बात है कि 20 अप्रैल 2019 को ही धर्मा प्रोडक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक भी रिलीज होने वाली है। कोई शक नहीं कि यदि ये क्लैश होता है तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो जाएगा। टाइगर श्रॉफ की बागी 2 सुपर हिट रही है और वहीं तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने बागी 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही अपनी फ्रेंचाइजी बागी 3 की तीसरी फिल्म को लेकर घोषणा कर दी थी।
इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, साथ ही कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी। फिल्म में धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाएंगे। बागी 3 का टीजर कब आ रहा है? टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? टाइगर श्रॉफ क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है? टाइगर श्रॉफ की कौन कौन ब्लॉकबस्टर फिल्में आने वाली हैं? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब 29 साल के हो गए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। टीन एजर्स के बीच टाइगर की लोकप्रियता देखते ही बनती। उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलीवुड के दिग्गजों को हैरान कर चुकी है। टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते। पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते। टाइगर श्रॉफ का जन्म मुंबई में हुआ था। साजिद नाडियावाला की फिल्म हीरोपंथी के साथ टाइगर ने 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी। टाइगर डांस के शौकीन और फिटनेस फ्रीक भी। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीढ़ी के युवा के विपरीत ना तो शराब का सेवन करते हैं और ना ही सिगरेट को हाथ लगाते हैं। हालांकि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिगरेट को मुंह लगाया था, लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमिटमेंट का नाम दिया। टाइगर का असल नाम हेमंत श्रॉफ है। उनके करीबी बताते हैं कि बचपन में वो बहुत काटते खरोचते थे, जिसकी वजह से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया। टाइगर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर के डांस की भी काफी तारीफ होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर ने डांस की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी। एक शो के दौरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता। होस्ट ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजात डांसर लगते हैं, तो इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, बस कोरियोग्राफी पर मेहनत करता हूं। अगर आप मुझसे इस वक्त डांस करने के लिए कहेंगे तो शायद मैं ना कर पाऊं। मैं वही कर पाता हूं जो सिखाया जाता है। अपने 5 साल के करियर में टाइगर ने 6 फिल्मों में काम किया। हीरोपंथी उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद बागी, ए फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल और बागी 2 रिलीज हो चुकी। आने वाली फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 है, जो कि 10 मई को रिलीज होगी। फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर का नाम दिशा पटानी से जोड़ा जाता है। दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया है। दिशा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक है। दोनों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक है। टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहद गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने रैम्बो और बागी 3 जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन्स देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है। टाइगर श्रॉफ ने इसकी एक झलक अपने फैंस को भी एक वीडियो के जरिए दिखलाई। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथापाई करते हुए दिखाई दी। टाइगर श्रॉफ के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन स्टंट और फाइट सीन्स इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते। टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते हुए देखा गया है। टाइगर श्रॉफ इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुनिया भर के आर्टिस्ट संग काम करने व सीखने की शानदार खुशी होती है। मैं आपको बता दूं, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसमें टाइगर और ऋतिक का जोरदार अंदाज देखने को मिलेगा। टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम शुरू हो गया और टाइगर का खतरनाक एक्शन इसमें देखने को मिलेगा। यही नहीं, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के ऑफिशियल रिमेक में भी लीड रोल में है। और टाइगर श्रॉफ ने कहा है कि वो बागी 3 का टीजर बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ बागी 3 का टीजर भी लॉन्च किया जाएगा। बॉलीवुड में तो आए दिन कोई न कोई डेब्यू करता ही रहता है, लेकिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही छा जाते हैं। उन्हीं लिस्ट में एक नाम जुड़ा 2012 में। बॉलीवुड में आते ही कहता है क्या करो यार,
सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ के बारे में। साजिद नाडियाडवाला की हीरोपंती से डेब्यू किया और आते ही आते एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिट फिल्में दी। बागी 2 के सक्सेस के बाद इसके डायरेक्टर ने इसके सीक्वल यानी कि पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी, जहां इसके पहले पार्ट यानी कि 2016 में रिलीज हुआ, सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में, वो भी रिलीज हुआ, जिसने 253 करोड़ का कलेक्शन किया। 59 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया। अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उम्मीद की जा रही है। टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौंका दिया है। और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस। बागी 3 एक एक्शन मूवी है। फिल्म में लीड में है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई, उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन श्रद्धा के बारे में सभी जानते हैं और एक बार फिर से डायरेक्टर मजबूर हो गए श्रद्धा कपूर को लेने के लिए। सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइजी बागी की तीसरी फिल्म में श्रद्धा कपूर बतौर हीरोइन नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर बागी 3 में आने के बाद साजिद नाडियाडवाला कहते हैं, श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है। बागी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस फ्रेंचाइजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी एक्साइटेड होंगे। इसी बात पर श्रद्धा कपूर का कहना है कि फैमिली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ। ये साजिद सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, टाइगर संग दूसरी और अहमद सर के साथ पहली फिल्म होगी। मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि इसमें धमाकेदार एक्शन है और टाइगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है। ये सभी जानते हैं बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट और धमाकेदार एक्शन सीन्स बागी 3 में नजर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जिसकी तैयारी अहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी। अहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हथियारों के साथ ट्रेनिंग ली। फिल्म के लिए रिसर्च के दौरान अहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उम्दा ट्रेनिंग कैंप्स हैं। लिहाजा नंबर 1 में टाइगर सीरिया जाकर धूम सीरीज के बाद ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में साबित होगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ कि अक्षय कुमार किस रोल में नजर आएंगे। देखा जाए तो अक्षय हर तरह की रोल निभाने में सक्षम है और ये बात उन्होंने 2.0 जैसी फिल्म देखकर प्रूफ कर दी है। अब ऐसे अगर विलेन के रूप में सामने आते हैं तो अक्षय और टाइगर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिलचस्प होगा, या अगर सपोर्टिंग रोल में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ उन स्टार्स में से हैं जो आते ही छा गए। टाइगर श्रॉफ युद्ध के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए। टाइगर ने बहुत कम फिल्में की लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है। कुछ फिल्में देकर इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि सभी को दीवाना बना देते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी फिल्म एंटर द ड्रैगन ब्रूस ली की फिल्म से। उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखने का मन बना लिया। टाइगर ने टाइकोंडो में 5 डिग्री बेल्ट हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर बात करें डांस की तो माइकल जैक्सन और बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर है। उनका ड्रीम था कि वो ऋतिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करे और नजर आए। उनका मानना है कि ऋतिक जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। वो मेरे आइडल हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर भी हैं। उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। जब उनकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। ट्रेलर से ज्यादा लोगों ने टाइगर के लुक के बारे में बात करना शुरू किया। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे थे। जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने 3 दिन में ही 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। ये एक नॉन एक्टर और एस्टैब्लिश एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म ने ओवरऑल 50 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म सक्सेसफुल होने के बाद लोगों का परसेप्शन टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं। लेकिन शुरुआती दिनों में टाइगर के ऊपर बड़ा प्रेशर था क्योंकि वो एक स्टार किड थे। टाइगर को उनके पापा यानी कि जैकी श्रॉफ से हमेशा कंपेयर किया जाता था। माना कि दोनों के करियर की शुरुआत काफी अलग थी, लेकिन फिर भी, और ये बात खुद टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ कंपेयर किया जाता था, इसलिए फेलियर का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चक्कर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें एक्शन हीरो माना जाता है, द रियल एक्शन हीरो, इसलिए उनकी दूसरी फिल्म
बागी भी कामयाब रही। टाइगर उन एक्टर्स में से हैं जो बॉडी डबल और स्टंट मैन का यूज नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते एक्चुअल में। उनका कहना है कि अगर सारे रिस्क स्टंट, लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले थे, जैसे कि M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर। साथ ही साथ श्रद्धा भी कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग ले रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा इन दिनों फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनी हुई है। वो बागी 3 के अलावा वरुण के साथ स्ट्रीट डांसर समेत 5 बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली हैं। नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर, तो पहली फिल्म है बागी 3। श्रद्धा कपूर को बागी 3 के लिए फाइनल कर लिया गया है। वो एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्रद्धा बागी का हिस्सा तो रह चुकी हैं। इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कथित गर्लफ्रेंड ने अहम भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म है स्ट्रीट डांसर। रेमो डिसूजा की इस फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी श्रद्धा कपूर नजर आएंगे, उनके अपोजिट वरुण धवन होंगे। बता दें कि साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की सक्सेस के बाद रेमो डिसूजा स्ट्रीट डांसर लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। उसके बाद है साहो। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर प्रभास साहो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के साथ श्रद्धा तेलुगु सिनेमा में अपना सफर शुरू करने जा रही है। ये फिल्म 15 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। बता दें कि प्रभास और श्रद्धा पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। छिछोरे सुपरहिट फिल्म